गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो काफ़ी दिन बाद वीडियो आ रहा है। उधर ह्यूमन फिजियो का तो पूरा हो चुका था सारा का टेस्ट, ठीक है। तो बीच में टेस्ट भी थोड़ा हॉल्ट था, तो इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेट आ रहा है। प्लांट फिजियो लगभग में जो दो चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द बैचेज में हो चुके हैं। तो टेस्ट उसका हो रहा है। तो सर, आपका संडे का टारगेट बैचेज में जो टेस्ट हैं इसके, फोटोसिंथेसिस के, ठीक है ना। तो उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपका, ताकि आप वन शॉट रिवीजन कर लें कि कितने बच्चे हैं जो पहली बार फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, और वाकई में फोटोसिंथेसिस और जो रेस्पिरेशन है वो एक बार में बहुत अच्छे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक है, ले ले प्रसाद ही तो है, क्या दिक्कत है। ओके, तो प्रसाद खा के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो थोड़ा सा डिटेल रहेगा, इसलिए मैंने पीडीएफ लगा दिया है आपको पेन ड्राइव में, ताकि जो आपके पास नोट्स है वही आप उसको, जो आपने नोट्स लिखा है, जो पीडीएफ मैंने भेजा हुआ है, वही नोट्स आप पढ़े हैं, उसी को मैं फिर से पढ़ा दूंगा। दो बार हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो बार बार एक ही चीज को पढ़ेंगे, तैयार हो जाएगा। 10 आज जो फ्राइडे है और 10 बज रहा है सुबह, आज दोपहर शाम तक आपको वीडियो मिल जाएगा। अब आज रात देख लीजिए, कल देख लीजिए, दो बार देख लेंगे, संडे को एकदम 100 out of 100 करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस, ठीक, ये मेरे नोट्स एकदम कॉपीराइट, किसी और को मत देना। चलिए, तो देखिए बाबू, फोटोसिंथेसिस में हम सबसे पहला टॉपिक जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए लिया है हमने न्यूट्रिशन। क्या लिया है? न्यूट्रिशन। ध्यान से देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, जो हम खाना खाते हैं जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, सारे सेल फंक्शन करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बाबू? न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब हमारे बॉडी में ही अगर खाना बन रहा हो, तो ऑटोट्रॉपिक हम दूसरों को खा रहे हो, दूसरी चीज खा रहे हैं, दूसरे का बनाया हुआ खाना खा रहे हैं, मीन्स दूसरा ऑर्गेनिज्म को ही खा रहे हैं, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक, ठीक है ना। तो ये बातें हैं नॉर्मल चीजें। तो ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं बाबू, जो खुद खाना बनाते हैं, जैसे इसमें जिनके पास पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं, बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये सब क्या क्या हो सकते हैं? देखो, अगर हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, है ना, तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होता है, एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जिसमें H2O नहीं बल्कि H2S यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है? H2S। याद रखना, जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज होता है H2O से, और H2O ये लोग नहीं यूज करते हैं, H2S यूज करते हैं। एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म, सारे नहीं, कुछ कुछ। ओके, दूसरा जो फोटोसिंथेसिस होता है बाबू, वो होता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और यहाँ पे H2O यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ O2 इवॉल्व होता है, और हम कहते हैं कि ये क्या है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ठीक है बाबू। जो एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है ना, ये जो करते हैं ऑर्गेनिज्म, इनको हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, इसमें बेसिकली सनलाइट इन्वॉल्व होता है, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस की भरमार आएंगे सब चीजें। एक चीज एकदम ध्यान सुनिएगा, वीडियो को 1.5 इंटू पे देख सकते हैं, 2 इंटू पे देखिएगा, मैं ऑलरेडी ही तेज ही पढ़ा रहा हूँ। तेज इन द सेंस, देखिए डिटेल होगा पूरा, ठीक है ना, जिसका छोटा वोटा होगा बीच में सब कवर हो जाएगा इसमें। तो बेसिक सही है कि आप, बहुत दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया फोटोसिंथेसिस पढ़े हुए, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस रिवीजन वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो ये जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए भी एकदम कारगर होगा, ठीक है। मैं कमेंट में पहला ही आपको पीडीएफ डाल दूंगा, इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा आपको, और अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चाहे आप इस कोचिंग के हों, बाहर के हों, कहीं के भी हों। तो माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फोटोसिंथेसिस। चलिए बाबू, फोटोसिंथेसिस क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस। क्या है ये? फिजिको केमिकल प्रोसेस। फिजिको मतलब होता है फिजिकल, केमिकल मतलब केमिकल। तो फिजिको मतलब फिजिकल का मतलब क्या है? ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है, एटमॉस्फेयर को O2 देता है, तो गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, तो एक फिजिकल प्रोसेस हुआ, तो फिजिको। और बाबू, जो ये सनलाइट की वजह से H2O तोड़ रहा है, उसको एब्जॉर्ब करके ATP बना रहा है, खर्च कर रहा है, तो ये सब बाबू केमिकल रिएक्शन से हो रहे हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पानी के साथ मिल करके, और वो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, तो केमिकल हो गया। तो याद रखना, फिजियो नहीं, फिजिको, फिजिको केमिकल। ओके, ऑल एनिमल्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, ठीक है ना। सारे जानवर
जो है या तो डायरेक्टली अगर हम कहें, मान लो ये कोई ट्रॉपिक लेवल 1 है, ट्रॉपिक लेवल 2 है, ट्रॉपिक लेवल 3 है, तो ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं। सब क्या होते हैं बाबू? प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट होते हैं। और जो इनको खाता है वो कौन होता है? हर्बीवोर्स होते हैं। और जो इनको खाता है वो होते हैं कार्निवोर। तो जो प्लांट को खाता है डायरेक्टली, हम कहें ना ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, तो ये एनिमल इस पे क्या, ये एनिमल प्लांट पे डायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है। और जो कार्निवर है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट, क्योंकि ये किसको खाता है, ऐसे नहीं, इसको खाता है, हर्बीवर को खाता है, वही बात। अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म हैविंग पिगमेंट ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सनलाइट से हम क्या बनाते हैं, मान लो सनलाइट है बाबू, ध्यान से देखो, सनलाइट से की हेल्प से हम क्या बना रहे हैं, हम केमिकल बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो हम कहेंगे लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, आगे हम पढ़ेंगे। बाबू याद रखना, रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें एनाबोलिक और कैटाबोलिक दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नया निर्माण हो रहा है बाबू। छोटे छोटे आइटम से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बन रहा है, खूब बड़ा सा। तो बाबू इसे हम बोलते हैं ना एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें कुछ बड़ी चीजें बनती हैं छोटी छोटी चीजें से, उनको एनाबॉलिक कहते हैं। इसी का उल्टा अगर होता तो हम कैटाबॉलिक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कैटाबॉलिक। तो याद रखना, फोटोसिंथेसिस क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो हम देखेंगे दो, ये दो पार्ट में बटेगा, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, आगे हम पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, डार्क रिएक्शन का मतलब, ये सब आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब उससे पहले हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट्स की। किसकी बात करेंगे बाबू? एक्सपेरिमेंट्स। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम, जैसे फोटोसिंथेसिस के कुछ बातें आपको सामने आएंगी कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस में कौन यूज होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, इस सब के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट। जब मतलब फोटोसिंथेसिस शुरू शुरू में जब पता चला इसके बारे में, तो सबको थोड़ी पता था क्या होता है ये, तो साइंटिस्ट आ गए बताने के लिए पूरी दुनिया को और खुद भी जानने के लिए। तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, हम देखते हैं। सबसे पहले बाबू यहाँ पे लिखा है टू नो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कंपोनेंट इन्वॉल्व इन इट। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने के लिए पहला होता था वेरिएगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट क्या था बाबू, ध्यान से देखना सब लोग। पहला एक्सपेरिमेंट था वेरिएगेटेड, सब लोग अच्छे से देखिए, वर्ड्स दिख रहे हैं ना, मैं देख लूँ जरा पीछे से, ठीक है बाबू, अच्छे से दिख रहा है एकदम। ओके, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। वेरिएगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट, तो वेरिएगेटेड लीव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई लीफ है, ध्यान से देखना बाबू, कोई लीफ है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा ग्रीन है, कहीं पे कम ग्रीन है, कहीं व्हाइट है, कहीं पे येलो है, तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंटेशन है, तो बाबू इसको बोलते हैं हम वेरिएगेटेड लीफ, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, पहली बात देखो क्या करना है, तो हमको प्रूव करना है कि एक्चुअल में लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या प्रूव करना है? लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है, और प्रूव करना है कि जो ग्रीन पार्ट है वहीं पे फोटोसिंथेसिस, वहीं पे कुछ हो रहा है, जो भी हम अभी फोटोसिंथेसिस को हम नाम दिए नहीं है, तो जो हो रहा है ग्रीन पार्ट। फिर दो चीजें यहाँ पे प्रूफ होंगी, देखते हैं बाबू। देखो हमने क्या किया, एक लीफ लिया, उस लीफ को हमने ढक दिया, क्या कर दिया, लीफ को ढक दिया। दूसरा लीफ लिया, उसको एकदम एक्सपोज किया, उसको ढका नहीं हमने, तो जो ढका है उसको हम बोलते हैं कवर्ड विद ब्लैक पेपर। किससे ढका है बाबू? ब्लैक पेपर से। और जो एक्सपोज लीफ है उसको हमने ढका नहीं, एकदम वो नेचुरल है वो। तो बाबू इस पे सनलाइट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हाँ सनलाइट पड़ रहा है, तो सनलाइट पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, बोलो हाँ। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तो ग्लूकोज बन रहा होगा और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा। यहाँ पे आ जाओ, तो बाबू यहाँ पे मैंने ढक दिया है तो सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे पता चला ग्लूकोज बना है कि नहीं, उसके लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? आयोडीन टेस्ट। तो आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़े होंगे कि बाबू स्टार्च जो होता है वो आयोडीन के प्रेजेंस में, जब आयोडीन उस पर डालोगे स्टार्च पे, तो जो स्टार्च होता है ना उसका जो स्ट्रक्चर होता है हेलिकल होता है, तो आयोडीन को वो क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, जिसकी वजह से स्टार्च के साथ वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो अगर आप स्टार्च है आपके पास या फिर कोई और कार्बोहाइड्रेट है, आपको चेक करना है कि स्टार्च ही है क्या, तो आप जब आयोडीन डालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में। तो हमने जब इस पत्ते पे आयोडीन डाले तो ये किसी भी कलर नहीं दिया, कोई कलर ब्लू ब्लैक नहीं दिया। और अगर हम स्टार्च इस पे, मतलब जो एक्सपोज्ड वाला लीफ था उस पे अगर हम आयोडीन डाल दिए तो आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखा, ठीक है बाबू। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं वेरिएगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। दूसरा बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है बाबू, जिसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और मोल साहब ने किया था, तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, ध्यान से देखना बाबू। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, टू प्रूव इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। CO2 का इंपॉर्टेंस पढ़ना है कि CO2 कितना इंपॉर्टेंट है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। बाबू एक जान लिया आपने, ठीक
ठीक है, जार में लीफ लिया, क्या लिया, लीफ। अब देखो ये लीफ लिया है आपने जार में, लीफ आधा अंदर है जार के, आधा बाहर है, जार को एकदम अच्छे से टाइटली क्लोज किया गया है, मतलब कुछ बाहर से आ नहीं रहा है, चलो ठीक है ऐसे मान लो। अब देखो बाबू, अंदर हमने एक कॉटन रखा है, कॉटन खूब ज्यादा, जिसमें जिसको डुबोया गया है KOH में, इसमें डुबोया गया है KOH में। KOH क्या करता है, एक ऐसा केमिकल है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमने यहाँ पे अंदर ऐसा कॉटन रखा है, ऐसा जिसमें KOH डूबा हुआ है, तो जो भी यहाँ पे CO2 रहेगा सबको ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कंटेनर के अंदर CO2 को ये आने ही नहीं देगा, यानी कि CO2 की सप्लाई अंदर बंद है, एकदम नहीं जाएगी, पत्ते CO2 एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, बाहर जो एक्सपोज्ड पार्ट है देखो, वहां पे CO2 मिलेगा। जब CO2 मिला तो हमने टेस्ट किया तो देखा स्टार्च का यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे ब्लू ब्लैक, तो हमने कहा अच्छा पक्का ग्लूकोज बना होगा, यानी पक्का फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। तो हमने देखा जो एक्सपोज्ड पार्ट था जहां पे CO2 मिल रहा था, सनलाइट तो दोनों को मिल रही, सनलाइट दोनों को मिल रही, कोई दिक्कत नहीं, सनलाइट लिमिटेड नहीं, यहाँ पे सनलाइट दोनों को मिल रही, CO2 सिर्फ इसको मिल रहा है, CO2 की सप्लाई इसके लिए कट है, तो ये पार्ट पॉजिटिव टेस्ट किया स्टार्च के लिए, जबकि जो यहाँ पे था बाबू वो नेगेटिव टेस्ट हमको मिला, मतलब जो अंदर था। तो क्या पता चला कि लीफ पार्ट इनसाइड टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो था वो नो CO2 तो नो फोटोसिंथेसिस, तो प्रूव हो गया कि CO2 इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था बाबू वो था बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या था वो, बेल जार एक्सपेरिमेंट, क्या था ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, देखिए बाबू बेल शेप का, बेल शेप का मतलब ऐसे, ठीक है ना, जैसे घंटी होता है, तो बेल शेप का जार लिया गया था, प्रिस्टली साहब ने लिया था जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी करी थी। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट किसने किया, पहले नाम याद रखो, जोसेफ प्रिस्टली, 1733 से 1804 तक ये जिंदा थे। ही प्रूव्ड एसेंशियल रोल ऑफ एयर, बाबू एयर लिखना, इन ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट में एयर का क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसके बाद इन्होंने डिस्कवर किया ऑक्सीजन 1774 में, कब ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, 1774 में, 1774 इन्होंने किया क्या, चलिए देखते हैं ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, उसमें एक कैंडल जला दिया और उसमें एक चूहा रख दिया, तो जो जार था एकदम क्लोज था, बाहर से कोई उससे कनेक्शन नहीं था। तो हुआ क्या, कुछ देर बाद कैंडल बुझ गया और चूहा मर गया, तो इन्होंने कहा कि कैंडल और चूहा दोनों मिल करके अंदर जो हवा है उसको गंदा कर दे रहे हैं, उसको डैमेज कर दे रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो मर जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या किया, दूसरा बेल जार लिया उन्होंने और उसमें एक जिंदा चूहा डाला और एक कैंडल जला के रखा और साथ में एक छोटा सा ग्रीन मिंट प्लांट रख दिया। अब ना ना कैंडल बुझ रहा है ना चूहा मर रहा है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो जो मतलब ये दोनों मिलके गंदा कर रहे हैं, जान सुनना, मतलब कि जो एयर, एयर अभी भी गंदा हो रहा है, जो एयर ये कैंडल और चूहा मिलके गंदा कर रहे हैं उसको साफ कौन कर दे रहा है, मिंट का प्लांट साफ कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इस ये सब था इनका, तो वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पढ़ता हूँ, जो आपका फिगर ए एंड बी एनसीईआरटी में पहला और दूसरा फिगर दिया है, इसमें एक्सपेरिमेंट वाले में लिखा है, व्हेन अ माउस एंड बर्निंग कैंडल प्लेस्ड प्लेस्ड माउस डाइड एंड कैंडल एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाना, तो इसका मतलब ये था कि चूहा और कैंडल एयर को डैमेज कर दे रहा है। और देखिए तीसरा चौथा फिगर जो है उसमें CND की बात कर रहे हैं, व्हेन अ मिंट प्लांट, जब मिंट प्लांट रखा गया विथ लाइव माउस एंड बर्निंग कैंडल, माउस स्टे लाइव, तो बाबू माउस जिंदा है और कैंडल कंटिन्यू टू बर्न, कैंडल भी बर्न कर रहा है, इससे पता क्या चला, कंक्लूजन ये निकला, मीन्स प्लांट रीस्टोर एयर दैट बर्निंग कैंडल एंड माउस रिमूव्स, तो जो चूहा हवा को गंदा कर दे रहा है, जो कैंडल हवा को गंदा कर दे रहा है उसको कौन सही कर रहा है बाबू, वही मिंट कर रहा है, रिस्टोर कर ले रहा है। अब आता है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बाबू, जिसका नाम है, मतलब इसका नाम, मतलब हम उसके साइंटिस्ट के नाम से, जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसके लिए, इनके लिए पहली बात ये याद रखना कि इन्होंने प्रिस्टली का ही सेटअप रखा था, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की थी, क्या रखा था, यूज सिमिलर सेटअप ऑफ प्रिस्टली, ही प्लेस दैट सेटअप वंस इन लाइट एंड डार्क, एक बार किस में रखा, लाइट में रखा, एक बार डार्क में रखा, तो लाइट में रखा, ठीक है। उन्होंने कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट समहाउ प्यूरिफाई एयर, इन्होंने कहा कि सनलाइट एसेंशियल है, सनलाइट क्या है बाबू, एसेंशियल है। अब देखो हुआ क्या इसमें, और क्या इन्होंने देखा, उन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया हाइड्रिला, उसको उसको बाबू रखा गया एक वेलजार किसी में रख दिया ऐसे उन्होंने,
और उसको एक्वेटिक प्लांट था तो पानी में डुबो कर रखा। किसमें डुबो कर रखा? पानी में। पहले उसको लाइट में रखा, फिर डार्क में रखा। तो जब लाइट में रखा ना, तो इसमें से इनको बबल्स निकलता हुआ दिखाई दिया। क्या निकलता हुआ दिखाई दिया? बबल्स। और जब इनको डार्क में रखा तो कोई बबल्स नहीं दिखाई दिया। तो इन्होंने कहा कि कुछ तो कुछ रिएक्शन हो रहा है जो कि सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो इन्होंने कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फॉर फोटोसिंथ। अभी इन्होंने फोटोसिंथ नहीं कहा होगा, कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट, है ना? तो प्लांट के लिए सनलाइट बहुत जरूरी है। तो ही प्रूव्ड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। अब आते हैं हमारे बाबू, इसको हम याद कराते हैं कैसे, देखो जूलियस वॉन सैक्स। तो जूलियन वॉक्स वॉन सैक्स बाबू, कितने वर्ड हैं इनके नाम में? तीन वर्ड हैं। तो इनके लिए तीन बात याद रखेंगे। पहला याद रखना ग्लूकोज, ठीक है? दूसरा याद रखना स्टार्च, और तीसरा रखना क्लोरोप्लास्ट। तो इन्होंने कहा था कि जो प्लांट है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और जो कि बाबू स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, और ये बनता कहाँ है? क्लोरोफिल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट एक बाबू क्या है, सेल ऑर्गेनल, उसके अंदर क्लोरोफिल है, उसी में बनता है, वही स्टोर होता है, वेयर ग्लूकोज फॉर्म। याद रखना इसको। तो तीन बातें, जूलियस वॉन सैक्स तीन वर्ड, और ठीक है बाबू एक और बात बताए, 1854। तो 54 बटे 18 कर दो तो भी कितना आ जाएगा? 3, ठीक है ना बाबू? तो याद रखना जूलियस वॉन सैक्स। अब आता है बहुत ही एलिजेंट एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं बाबू TW एंजल मैन, ठीक है ना? इन्होंने क्या किया था देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे बातें आती हैं, लिखा है मैंने। अच्छा इन्होंने क्या किया पहले देखते हैं, सुनिए। TW एंजल मैन ने क्या किया, इन्होंने एक एल्गी लिया। क्या लिया? एल्गी, क्लेडोफोरा नाम था। क्लेडोफोरा, यस। इन्होंने एल्गी लिया एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है? एल्गी ग्रीन था, उस एल्गी का सस्पेंशन लिया पूरा, मतलब खूब ज्यादा एल्गी था, और उस पे लाइट गिराया। लाइट गिराया लेकिन डायरेक्ट नहीं, लाइट जो गिराया था बाबू इन्होंने ध्यान से देखो क्या किया। ये मान लो क्लेडोफोरा है, ठीक है? क्लेडोफोरा लिया इन्होंने एल्गी, यहां पे एक प्रिज्म रख दिया। क्या रख दिया? प्रिज्म। क्या रख दिया? प्रिज्म रख दिया, और यहां से व्हाइट लाइट को गिराया। कैसी लाइट गिराया बाबू? व्हाइट लाइट गिराया। तो ये लाइट स्प्लिट हो गई 7 पार्ट में, ठीक है? 7 पार्ट में, कहीं बाबू ब्लू आया होगा, कहीं आपका रेड भी आया होगा। तो विब ग्योर पूरा बन गया। इन्होंने देखा, ये मान लो विब ग्योर ऐसे था, इन्होंने देखा, और इन्होंने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया को डाल दिए, एरोबिक बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? एरोबिक, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो इन्होंने देखा कि जो बैक्टीरिया था वो सबसे ज्यादा रेड रीजन पे, और बाबू कहाँ, ब्लू रीजन पे इकट्ठा हुए। मतलब कि जहां पे लाइट ब्लू वाला पड़ रहा था और जहां पे लाइट रेड वाला पड़ रहा था, वेवलेंथ वाला, वहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठा हुए। इससे इन्होंने ये पता किया कि रेड रीजन में, यानी कि रेड वाले लाइट में और ब्लू वाले लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, यानी कि वहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? रेड रीजन में और ब्लू रीजन में। यही एक्सपेरिमेंट था इनका। अब चलिए, अब इन्होंने क्या क्या कहा सब पढ़ते हैं, एक लाइन जो जो आपके नोट्स में है, देखिए ध्यान से। लिखा है डिस्कवर्ड फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात किया। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ध्यान से देखना, एक ऐसा ग्राफ बाबू ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम नीचे वेवलेंथ लेते हैं और ऊपर लेते हैं बाबू क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हम कहते हैं कि एक ऐसा ग्राफ जिसमें यह बताया जाता है कि किस वेवलेंथ पर कितना, मतलब कौन सी वेवलेंथ, कौन सी लाइट पड़ने पर कितना फोटोसिंथेसिस ज्यादा या कम होगा, इस ग्राफ को हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि किस वेवलेंथ पे कितना लाइट, सॉरी किस वेवलेंथ पे कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, इस स्पेक्ट्रम को, इस ग्राफ को बोलते हैं क्या, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने क्या किया, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, टेल्स अस व्हिच लाइट इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि मतलब कौन सा लाइट इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा रेड और ब्लू ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या किया उन्होंने, व्हाइट लाइट लिया, प्रिज्म लिया, क्लेडोफोरा लिया, देखा कि ब्लू रीजन में और रेड रीजन में पीक ज्यादा मिल रहा था, यहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो गए और यहाँ पे भी हुए कम हुए, ठीक। एक्सटेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोर एट ब्लू एंड रेड रीजन, मोर ऑक्सीजन एट ब्लू एंड रेड, सो मोर बैक्टीरिया एरोबिक एट ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है ना? ओके, यहां पे लिखा है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्स विथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसकी हम बात करेंगे अभी स्पेक्ट्रम्स में, ठीक है? उससे पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है बाबू इन्होंने किया, जिसने लास्ट साइंटिस्ट का नाम जो यहाँ दिया है, कॉर्नेलियस वैन नील। बाबू क्या? कर्नेलियस वैन नील। इन्होंने बाबू, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। क्या ये थे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके,
ही वर्कड ऑन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर, याद रखना सब क्वेश्चंस है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया था इन्होंने। देखो होता क्या है, इन्होंने कहा कि अगर फोटोसिंथेसिस होना है तो एक ऑक्सीडाइजेबल, देखो यहां पे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइजेबल, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज हो सके, क्या हो सके, ऑक्सीडाइज हो सके, तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होना चाहिए जो CO2 के साथ मिल करके लाइट के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो इन्होंने कहा जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है, बाबू ध्यान से देखो, वो CO2 को रिड्यूस करेगा, आपको पता है, आपको पता होगा जो खुद ऑक्सीडाइज होकर होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बोलो, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो होता है बाबू वो CO2 को रिड्यूस कर देगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। और बेसिकली जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड था, देखा गया ये सब हाइड्रोजन डोनर थे, क्या थे, या तो H2O रहेगा या तो H2S रहेगा, तो ये सब हाइड्रोजन डोनर थे। अरे कहने का मतलब क्या है, ये H2 दे देगा, हाइड्रोजन दे देगा तो ऑक्सीजन बचेगा तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना है ऑक्सीडेशन। तो अब होगा क्या, H देगा CO2 को, और जब CO2 को H देगा तो CHO में कन्वर्ट कर देगा। हुआ क्या, ध्यान से देखो सब लोग, देखिए यहां पर रिएक्शन लिखा है एनसीईआरटी ने कि 2H2A CO2 2A CH2O, ये देखो क्या है बाबू, H2A ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकता है। अगर हम ग्रीन प्लांट की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड H2O होता है, यानी कि ये क्या है बाबू, खुद ऑक्सीडाइज हुआ किसमें, O2 में, किसमें ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, ऑक्सीडेशन हो गया इनका। और बाबू ये किसको रिड्यूस किया, CO2 को H दिया तो हाइड्रोजन डोनर कहलाएगा, और किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज में, तो इसको कहेंगे रिडक्शन हुआ। तो बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस को रिडॉक्स कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं कि CO2 रिड्यूस होता है ग्लूकोज में और H2O ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन में, नोट कर लेना एकदम। कंक्लूजन क्या निकला, O2 इवॉल्व कम्स फ्रॉम H2O एंड नॉट फ्रॉम CO2। बाबू अब इससे ये पता चला कि H2O से बाबू O2 बन रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा, अभी प्रूफ करेंगे इसको, इन्होंने कहा H2O ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन में, तो पक्का है H2O से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, और CO2 ही कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में इससे हाइड्रोजन लेकर के, हाइड्रोजन इससे लेकर के, ठीक है बाबू, ओके। तो ग्लूकोज का कार्बन जो है, ऑक्सीजन, ये सब CO2 से है, और ग्लूकोज का हाइड्रोजन किससे है, वाटर से है, और बाबू वाटर जो है वही कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीजन में। अब इक्वेशन देखें सब लोग, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे इक्वेशन कि 6CO2 plus 6H2O gives glucose, यानी C6H12O6 plus 6O2, ये रॉन्ग क्यों है, देखिए हमने कहा कि जो ऑक्सीजन है कहां से आ रहा है, H2O से, इससे कोई मतलब नहीं है ऑक्सीजन का, ये तो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। तो H2O, बताओ यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 12 ऑक्सीजन एटम, तो रॉन्ग हो गया, बैलेंस्ड भी नहीं है। तो हम क्या किए इसको, बैलेंस्ड, मतलब देखो इक्वेशन बैलेंस्ड है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस है लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये बैलेंस नहीं है कि बाबू H2O से ही आता है ऑक्सीजन, तो सारा यानी कि 6H2O है तो मैक्सिमम 6 ऑक्सीजन एटम या 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होने चाहिए, तो वहां पे दे दिया 6। अब हम सही कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 12H2O, तब जाके यहाँ पे 12 ऑक्सीजन एटम है, तब जाके यहाँ पे 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यानी 12 ऑक्सीजन एटम बनेगा। अब ये सही हो गया और साथ में 6H2O बाहर निकलेगा, ये भी निकलता है फोटोसिंथेसिस में। अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो बाबू सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, CO2 यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है, इसमें स्टोइकोमेट्री नहीं लिखते हैं, और बाबू यहाँ ग्लूकोज बन रहा है, साथ में ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, ग्लूकोज मतलब वो कार्बोहाइड्रेट कह रहा है। अब बाबू रेडियो आइसोटेक्निक क्या इन्होंने लगाया था इसको प्रूव करने के लिए, क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया 18, ठीक है, तो ऑक्सीजन का नॉर्मल कितना होता है 16, और उन्होंने एक बढ़ा के रेडियो एक्टिव आइसोटोप ले लिया जिसका नाम था O18, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कार्बन जो CO2 था उसमें 16 रखा, और जो H2O था उसमें ऑक्सीजन 18 रखा, तो इन्होंने देखा जो ऑक्सीजन निकल रहा है उसका नेचर क्या है, रेडियो एक्टिव, क्या है, रेडियो एक्टिव है, क्योंकि H2O भी रेडियो एक्टिव था, लेकिन जो सुगर बन रहा है ये नॉन रेडियो एक्टिव है, क्या था बाबू, नॉन रेडियो, ये भी क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक, और ये क्या था, रेडियो एक्टिव, तो ये भी क्या मिला, रेडियो एक्टिव से क्या पता चला, रेडियो से रेडियो, यानी कि H2O से क्या बन रहा है, O2, और CO2 से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बाबू, ग्लूकोज, ठीक है।
तो रेडियो एक्टिव आइसोटोपिक टेक्निक था। अब आते हैं चैप्टर पे अपने, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है, एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इसकी बात करेंगे हम। देखिए सब लोग, तो बाबू ग्रीन पार्ट कहाँ होता है बेसिकली, ये ध्यान से देखेंगे सब लोग, एनसीईआरटी के एकदम सीक्वेंस के हेडिंग फॉलो किया जा रहा है बाबू, एकदम ध्यान से देखना। ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसाइज, जो ग्रीन पार्ट होता है वही फोटोसिंथेसिस करता है बाबू, देखा जाए तो बेसिकली लीव्स करता है, और यंग स्टेम्स जो अभी बाबू वुडी नहीं हुए हैं, जो अभी ग्रीन है उनमें होता है। ग्रीन लीव्स की बात करें तो मेसोफिल सेल्स होते हैं और उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। अब यानी कि ग्रीन पार्ट में होता है, ग्रीन लीफ में होता है, ग्रीन लीफ के अंदर जाओ मेसोफिल में होता है, मेसोफिल के अंदर घुसे तो कहां होता है, बोलो कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, गॉट इट, ओके। अब देखिए कह रहा है क्लोरोप्लास्ट विच आर ओरिएंटेड ऑन द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स टू गेट मोर लाइट, तो कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट इस तरह से मेसोफिल वॉल पे अलाइन होता है ताकि उसको ऑप्टिमम लाइट मिल सके, जितना उसको जरूरत है उतना मिल सके, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं लो लाइट कंडीशन, देखिए बहुत कंट्रोवर्सी होती है यहाँ पे, लेकिन याद रखना बहुत ही रिसर्च के साथ ये आपको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यही सच है, ध्यान से देखना। लो लाइट कंडीशन तुम खुद बताओ, मान लो बाबू लो लाइट कंडीशन है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बाबू क्या होगा, अपने आप को परपेंडिकुलर करेगा बाबू, अगर परपेंडिकुलर नहीं करेगा तुम खुद बताओ, मान हम किसका परपेंडिकुलर जो कह रहे हैं किसके हिसाब से, लाइट है ये लाइट सीधे गिर रहा है इसे, तो उसके हिसाब से यही परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री बना कि नहीं बना, तो हम कह रहे हैं लो लाइट पे क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं अपने आप को परपेंडिकुलर कर लेते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज्यादा लाइट गिरेगा, तो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे हाई लाइट, दोपहरिया की बात कर दिया, हाई लाइट कंडीशन है उस केस में बाबू, अगर आप अभी हम आगे बताएंगे कि अगर ज्यादा लाइट मिल जाता है तो भी फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्लोरोफिल बर्बाद हो जाता है, तो उसको उससे भी बचना है, तो हम क्या करेंगे बाबू, अगर अगर बाबू लाइट बहुत ज्यादा है, दोपहर की बात कर रहा है, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी है, उस केस में क्लोरोप्लास्ट अपने आप को क्या कर लेगा, देखो यहां मैंने काट रहा है परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल कर लेगा, क्या कर लेगा, जो लाइट गिर रही है उसी के पैरेलल हो जाएगा, ताकि लाइट कम उस पर पड़े, अगल बगल लाइट चली जाएगी, ज्यादा इस पर बहुत कम लाइट पड़ेगी, तो पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट, ठीक है, डिस्कशन खत्म बाबू। अब हम देखिए थोड़ी सी आपको बात बताते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो हम पढ़ रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने बताया ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट में मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट को हम उतना जानते हैं जितना जरूरी है यहाँ पे बाबू। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट में पाया जाता है, या तो उन सब ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे बाबू ये डबल मेम्ब्रेन आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, फिर से बना देते हैं इसे दिखाने के लिए बाबू, ये फ्लैटेंड सैक कहते हैं इसको, ठीक है ना, फ्लैटेंड सैक, और एक एक सैक जो बना रहा हूँ, एक एक पूरा ऐसे, ठीक है ना, एक एक सैक जो बना रहा हूँ बाबू, इसे कहते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड, और ये बाबू देखो एक थाइलाकॉइड, दो थाइलाकॉइड, तीन थाइलाकॉइड, चार थाइलाकॉइड, चारों को मिला दो तो कहते हैं ग्रेनम, क्या कहते हैं ग्रेनम, और दो मिल गए तो क्या कहलाएंगे, दो मिल गए एक से ज्यादा ग्रेनम तो कहलाएगा ग्रेना, क्या कहलाएगा ग्रेना, समझ गए होंगे। अब देखिए बात को, ठीक है ये हो गया, ये थाइलाकॉइड हो गया बाबू, थाइलाकॉइड को दो, दो, अब ये ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है, ये क्या है ग्रेनम, या तो प्लूरल बोले तो ग्रेना, मतलब दो बोलेंगे तो ग्रेनम ग्रेना, और एक सिंगल कह रहे हैं पूरा एक पाइल, एक एक, एक गुच्छा, तो ग्रेनम हो गया, और इनको कनेक्ट करने के लिए कौन है, बोलो बोलो, स्ट्रोमल लैमिली, क्या बोलते हैं बाबू, स्ट्रोमल लैमिली, स्ट्रोमल लैमिली, ध्यान से देखो, तो अब देखो ध्यान से, मैंने कहा ये क्या है बाबू, ये सब ये है आपका ग्रेनल थाइलाकॉइड, क्या है आपका ये ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड, या तो जस्ट थाइलाकॉइड, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, पतले पतले चिपटे चिपटे सिक्के की तरह होते हैं, और बाबू ग्रेना आपको समझ में आया पूरा, ये है ग्रेनम ग्रेना, और दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, स्ट्रोमल लैमिली, क्या है बाबू ये स्ट्रोमल लैमिली, और जो इसके अलावा जो भी पार्ट बचा है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं बाबू स्ट्रोमा बोलते हैं। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें होंगी, एक बाबू लाइट रिएक्शन, मैंने कहा था फोटोसिंथेसिस दो पार्ट होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक होता है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट सीधे गिरेगी
पिगमेंट्स पे उसको ट्रैप करेंगे और एटीपी यानी कि हमको शुगर बनाना है तो शुगर बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी सनलाइट से खींच के हम एटीपी में कन्वर्ट करेंगे। तो सनलाइट से हम एटीपी बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं ताकि हम डार्क रिएक्शन में शुगर बना सके। तो लाइट रिएक्शन में क्या बनेगा, एनर्जी बनेगी ताकि हम डार्क रिएक्शन में उसका यूज करके क्या बना सके, शुगर बना सके। ठीक है, याद रखना। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, बाबू जहां होता है उसका नाम है मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या नाम है, मेम्ब्रेनस सिस्टम। और यहाँ पे याद रखना तीन चीजें होंगी आपका, ग्रेना होगा, क्या होगा, ग्रेना होगा, स्ट्रोमल लैमेली होगा और खुद स्ट्रोमा होगा। तीन चीजों को मिला करके हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या बोलते हैं, तीन चीजों को मिला करके बोलते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम। मैंने बताया आपको कि ग्रेना, ठीक है, ग्रेना और कौन, स्ट्रोमल लैमेली और कौन बाबू, स्ट्रोमा, तीनों को मिला के बोलते हैं मेम्ब्रेनस सिस्टम, जहां पे लाइट रिएक्शन होगा। लाइट रिएक्शन क्या है आगे हम पढ़ने वाले हैं बाबू। डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, कहां होता है, स्ट्रोमा में होगा सिर्फ, क्योंकि इसके एंजाइम्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ट्रैपिंग ऑफ लाइट वाला जो फिनोमिना है वो सब चलेगा मेम्ब्रेनस सिस्टम में और तीनों मिला के कहलाएंगे इसको बाबू कौन, ग्रेना, स्ट्रोमा और बाबू आपका दोनों के बीच का जो कनेक्शन है स्ट्रोमा लैमेली, सब मिला के तीनों। ठीक है ना, याद रखना इसको। ओके, स्ट्रोमा को लोग लेते नहीं है लेकिन साइड साफ साफ लिखा है लेना है आपको। दूसरा क्या है बाबू, ये डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, मैट्रिक्स में, स्ट्रोमा में होगा। अब आता है मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम का काम क्या है बाबू, इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट रिएक्शन होता है। और बाबू याद रखना बनता क्या है, लाइट रिएक्शन में आपका बनेगा एटीपी बनेगा, NADPH बनेगा, O2 बनेगा। NADPH क्या है, जैसे ATP है एनर्जी, ऐसे ये भी एनर्जी है लेकिन इसको फिर से हम कन्वर्ट करते हैं बाद में ATP में, ये सब देखेंगे बाद में, बस इतना समझो इसको बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। तो NADPH, ठीक है ना, फुल फॉर्म वगैरह देखेंगे आगे। चलिए अब देखिए ओवरऑल क्या हमने देखा कि बाबू जो सनलाइट है वो पड़ा पेड़ पे यानी ग्रीन पार्ट पे, तो हुआ पहले लाइट रिएक्शन। क्या हुआ बाबू, लाइट रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा है, मेम्ब्रेनस सिस्टम में। कहाँ हो रहा है, मेम्ब्रेनस सिस्टम, सही कर लेना, वो तो मैंने ऐसे लिख दिया है भावनाओं में। लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, एनएडीपीएच और सबसे अच्छा हमें मिलेगा ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, तीन प्रोडक्ट बनते हैं। और अब इस एटीपी एनएडीपीएच को हम यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे और बाबू हम करवाएंगे डार्क रिएक्शन। और बाबू डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 का फिक्सेशन होगा और कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब बात आती है कि हम डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, इस बात को सभी लोग, इस बात को बहुत लोग बहुत डाउट होता है, पूछ ले, समझ ले क्या होता है, समझेगा। अब डार्क रिएक्शन, अब लाइट रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली लाइट पड़ने पर ही होगा, ध्यान सुनना। यानी हम कहते हैं लाइट रिएक्शन इज डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट, बट डार्क रिएक्शन इज लाइट, कहीं कहीं लिख देता है लाइट इंडिपेंडेंट। तो हम कह देंगे ठीक है, अगर लिख देगा इट इज, मतलब इट इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, तो गलत हो गया। सुनना, लाइट रिएक्शन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लेकिन लाइट पे क्या है, ये लाइट पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। फिर से सुनो, जो लाइट रिएक्शन है वो तो डायरेक्टली लाइट ड्रिवन है यानी कि लाइट से हो रहा है, लेकिन जो डार्क रिएक्शन है बाबू ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है। लाइट सीधे पड़े या ना पड़े उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसको, बस इसको क्या है, लाइट मिल रही है, मिल रही है तो एटीपी बना, इसको एटीपी से मतलब है। तो एटीपी क्या है, लाइट से बना है, लाइट रिएक्शन में बना है। तो लाइट, हम अब मोस्ट अगर हम एक्यूरेट कहें तो नीट में जो बनेगा ये बनेगा कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन लाइट डायरेक्टली बट इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन, है ना, याद रखना इसको। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे और मैं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दूंगा जो कंट्रोवर्सी हो आपको। तो डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं, तब इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसको लाइट बोल दिया, क्योंकि लाइट से डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो उसी को हम अपोजिट में लेके डार्क कह दिए। कहते हैं कि क्या ये डार्क रिएक्शन कहना मिजनोमर है, मिजनोमर मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं मेरा नाम रख दे कोई पतलू, क्या नाम रख दे, पतलू, क्या रख दे बाबू, पतलू, तो मिजनोमर है ये। यानी कि मैं जय हूं, मैं मोटा हूं लेकिन मेरा नाम पतलू रख दिया, यानी मिजनोमर। तो ये डार्क रिएक्शन है कहलाता है, लेकिन डार्क में नहीं होता, होता तो दिन में ही है, होता क्या है, दिन में, हाँ कभी कभी अंधेरे में हो जाता है। अब इसको समझना क्या है, आपको टिक करना पड़ेगा दोनों, दिन और रात। क्यों, देखो बाबू लाइट, लाइट पड़ा, मान लो इवनिंग का समय है, 5 बज रहा है, कितना, सब लोग ध्यान समझना, मान लो 6 बज रहा है, 6 PM अभी लाइट पड़ रही है सनलाइट, तो एटीपी बन रहा है, क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है, एनएडीपीएच बन रहा है, ये सब बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब तुरंत, अब मान लो एटीपी एनएडीएच, तो ठीक है डार्क रिएक्शन भी हो रहा है, क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन भी हो रहा है और ये लाइट रिएक्शन भी हो रहा है। तो 6 PM पे दिन है, तो दिन में ध्यान से देखो, दिन में क्या हुआ, लाइट भी हुआ डार्क भी हो रहा है, लेकिन लेकिन जैसे ही रात हुई
तो अभी भी एटीपी और एनएडीपीएच बना हुआ है, और जब ये बना हुआ है तो बाबू अभी तो डार्क रिएक्शन चलेगा ना। तो कहते हैं डार्क रिएक्शन थोड़ा सा अंधेरे में भी हो सकता है, यानी कि लाइट रिएक्शन खत्म होने के बाद भी हो सकता है, लेकिन लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होगा, ठीक। लेकिन मोस्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन दिन में ही होते हैं, क्योंकि दिन में ही पूरा पूरा एटीपी बनता है। मान लो 6 बजे सूर्य अस्त हो गया तो 7 बजे तक डार्क रिएक्शन चलेगा, क्योंकि एटीपी बना हुआ है, ठीक है ना, याद रखना इसको। चलिए, तो वही लिखा है मैंने, एज सून एज एटीपी एंड एनएडीपीएच आर इन्फॉर्मड, एंजाइम इन स्ट्रोमा स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ शुगर CO2 फॉर्मेशन। तो जैसे एटीपी बनता है तो शुगर का बनना शुरू हो जाता है। नेम डार्क बिकॉज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, ठीक है। बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन अकर्स इन डे, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट सप्लाई बंद कर दो तो सबसे पहले क्या रुकेगा, लाइट रिएक्शन स्टॉप फर्स्ट, और डार्क रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रोल्ड बाय डार्क रिएक्शन, अब इसे समझो। पूछता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कौन कंट्रोल करता है, तो आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो और वहां पढ़ते हो कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का, जो मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, उसमें जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, जो सबसे स्लो चलता है, वही रेट को डिटरमाइन करेगा। किसको डिटरमाइन करेगा, रेट को, वही रेट को तय करेगा कि रिएक्शन कितना फास्ट चलेगा, स्लो चलेगा, मतलब रिएक्शन कब तक चलेगा। तो बाबू रेट ऑफ रिएक्शन को कौन डिसाइड करेगा, जो स्लो होगा। तो बाबू हमने कहा डार्क रिएक्शन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स लगते हैं, उसमें टाइम लगता है, तो स्लो चलता है, इसलिए हम कहते हैं डार्क रिएक्शन ही डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब लाइट रिएक्शन क्या है, ध्यान से देखो बाबू, लाइट रिएक्शन को पढ़ना है हमको, लेकिन हमको पढ़ना है पहले, उससे पहले पिगमेंट। क्या पढ़ना है, पिगमेंट। मॉलिक्यूल्स दैट कैप्चर्स लाइट एंड कैन एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइट को कैप्चर करते हैं। और आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पढ़ा है ना बाबू, कि जब लाइट पड़ती है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ पड़ने पर वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, यही होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो उसी हिसाब से वहां तो मेटल पे पड़ते हैं, यहाँ पे हर जगह होता है बाबू, देखो। तो बाबू ऐसे मॉलिक्यूल जो एक स्पेसिफिक मतलब फिक्स, कि इसी पे करेंगे वो, फिक्स वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं बाबू क्या, एक्साइट करते हैं, इसको बोलते हैं पिगमेंट्स। अब देखो होगा क्या, हमने कहा लाइट रिएक्शन में क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है ना, एनर्जी बन रही है, तो कहां से एनर्जी कहां से आ रही है, देखो ध्यान से बाबू, देखो। चलिए थोड़ा सा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ले चलते हैं, देखिए मान लो ये न्यूक्लियस, ये क्या है बाबू, न्यूक्लियस, ये है आपका फर्स्ट, यस, ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट बाबू, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, अच्छे से खुशी खुशी रह रहा है, मान लेते हैं सोडियम, मान लेते हैं सोडियम जैसे होता है, लास्ट में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाबू सनलाइट पड़ा, क्या पड़ा, सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, तो इसकी एनर्जी बढ़ गई बाबू, आपको पता है -30.6 होता है, -3.4 होता है, -1.5 ऐसे होता है कि नहीं होता है, सबकी एनर्जी, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, सबसे कम माइनस है ना, इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, इसकी और ज्यादा। तो जैसे जैसे अब मान लो एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन को सनलाइट मिला तो एनर्जी बढ़ी तो ऊपर चल गया, एनर्जी बढ़ी तो और ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया, यानी कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जाता, हायर एनर्जी लेवल में, और फिर बाबू आपको पता है कि हमेशा एनर्जी वो मेंटेन रहेगी नहीं, तो फिर वापस आ जाएगा लोअर में। तो जब वापस लोअर में आएगा तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, इसी को हमें एटीपी के फॉर्म में स्टोर करना है, इसके फॉर्म में, बस यही है बाबू, यही है। चलिए देखिए नेक्स्ट, तो लिखा क्या है, पिगमेंट एक्साइट द इलेक्ट्रॉन एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट वापस आ जाते हैं, इट रिलीज एनर्जी, कुछ रिलीज एनर्जी करेंगे, एंड दिस एनर्जी यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन, और इसे को हम मतलब कौन से केमिकल रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन। अब देखो पिगमेंट कैन ऑल्सो ट्रांसफर दिस एनर्जी टू अदर पिगमेंट, ये सब एनर्जी पिगमेंट दूसरे पिगमेंट को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे अभी हम देखेंगे। समटाइम्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली वापस नहीं आता तो अपनी एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा, रिसीव इलेक्ट्रॉन एंड पास नेक्स्ट, कह रहा है कभी कभी इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, दूसरे किसी मॉलिक्यूल के पास जाता है, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, अभी हम पढ़ने वाले हैं सब डिटेल। अब टाइप के पिगमेंट कितने टाइप के हैं, कह रहा है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें एलएम लिखा हुआ है, उसने कहा है कि जो पत्ते होते हैं उसमें कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, इसीलिए कई पत्ते ज्यादा एकदम गाढ़ा हरा होगा, एक हल्का हरा होगा, कुछ येल्लो होंगे। तो वो चार तरह के बेसिकली मेजर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, पहला है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है जैंथोफिल, चौथा है कैरेटिनॉइड्स। बाबू जो क्लोरोफिल ए है याद रखना ब्राइट या ब्लू कलर का होगा, जो क्लोरोफिल बी है येल्लो ग्रीन, और जो बाबू जैंथोफिल है वो, अब जैंथोफिल को देखो बाबू याद करने के लिए, बाबू एक्स वाई क्या याद रखो, एक्स का कलर क्या है, वाई है, एक्स का कलर वाई, एक्स का कलर, अब इसको याद मत रखना ऐसे, देखो अब यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्या है ये क्लोरोफिल, तो पक्का थोड़ा बहुत ग्रीनियत आएगी ही, ग्रीन मतलब हरी हरी ग्रीन, तो
ग्रीन, इसका क्लोरोफिल बी का कलर क्या होगा, येल्लो ग्रीन, और सिंगल येल्लो, सिर्फ येल्लो कौन होगा, तो याद रखना एक्स वाई, कैरेटिनाइड का येल्लो टू येल्लो ऑरेंज, अपने हिसाब से याद कर लो। अब देखो हम क्या बता रहे हैं, ये कैसे अरेंज होते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए सब लोग, बाबू ये है क्लोरोफिल बी, ये है कैरेटिनॉइड्स, ये है जेंथोफिल्स, और बाबू क्लोरोफिल है ये, क्या है ये क्लोरोफिल, ये सब आपस में अरेंज है ये सब। क्लोरोफिल को हम बोलते हैं मेजर पिगमेंट और मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट बोलते हैं, मेजर पिगमेंट सबसे ज्यादा यही पाया जाता है और मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट में भी टिक करना। और बाबू इसको हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट, अभी देखना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो इसी का इलेक्ट्रॉन जाता है, इसी का इलेक्ट्रॉन और किसी का नहीं, तो इसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ठीक है, फिर से देखिए सुनिए सब लोग, भूलिए मत, चार तरह के पिगमेंट है, ऐसे अरेंज होते हैं, जो सनलाइट होती है वो चारों पे पड़ती है और सब अपने अपने फिक्स वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहां से कहानी सुनिए, जो क्लोरोफिल ए है, ध्यान सुनिएगा, क्लोरोफिल ए है जो, वो लाइट एब्जॉर्ब करता है जो कि हाईएस्ट वेवलेंथ की होगी, यानी कि लोवेस्ट एनर्जी होगी, क्या होगी, लोवेस्ट, क्योंकि सारा काम उसी को करना है, मेजर पिगमेंट वही है, अबंडेंट पिगमेंट वही है, रिएक्शन सेंटर वही है, तो इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है, और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट अगर करना है तो एनर्जी चाहिए, तो वो ज्यादा एनर्जी नहीं लेता है, कम एनर्जी लेता है, क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एक दिक्कत होगी, फोटो ऑक्सीडेशन होगा। फोटो ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकते हैं एक साथ, पूरा दिक्कत हो सकती है और क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो की वजह से ऑक्सीडेशन होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना बहुत ज्यादा, फोटो ऑक्सीडेशन। तो ज्यादा लाइट पड़ने पे क्लोरोफिल क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए अगर कोई पूछे कि जब क्लोरोफिल ए है वो कैसा लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो अब कम एनर्जी, आपको पता है एनर्जी क्या होती है, एच सी अपॉन लैम्डा, यानी कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम, तो इसलिए लिखा है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है वो हाइएस्ट वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, याद रखना इसको, और ये भी ऑब्जर्व करता है सन से लाइट और अदर पिगमेंट से भी। अब अदर पिगमेंट से क्या, देखो ध्यान से बाबू, मान लेते हैं कि सनलाइट पड़ी, सनलाइट इस पे पड़ी, इसने ले लिया जिसको इसको लेना था, बाबू इस पे लाइट पड़ी, इस पे भी पड़ी, इस पे पड़ी, ये सब लाइट बहुत ज्यादा एनर्जी की है, मान लो तो इनको, मान लो एनर्जी ज्यादा मिली ज्यादा, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में ऐसे खेलते हैं कि तुम इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे, और जब एनर्जी इसमें से जब एक दूसरे को पास करेंगे तो एनर्जी लॉस होगी, बोलो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, कि एनर्जी कभी भी पास होती है 100% ही पास होती है, तो ये लॉस होगी, और जब एनर्जी कम हो जाएगी तब ये सब किसको ट्रांसफर कर देंगे, क्लोरोफिल को। तो अब इसीलिए इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं एक्सेसरी पिगमेंट, क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट, यानी कि क्लोरोफिल ए के अलावा ये सब पिगमेंट्स हैं जो बाबू एक्सेसरी, यानी कि डायरेक्ट तो यही काम में आ रहा है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये लोग भी, अब मान लो कि हम कहते हैं ये 700 नैनोमीटर का लाइट सिर्फ एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो ये मान लेते हैं 550 का, ये मान लेते हैं कर रहा है 540 का, मान लेते हैं ये कर रहा है 450 का, तो अगर मान लो सिर्फ 700 नैनोमीटर ये कर रहा है और सिर्फ ये अकेले रहता, तो जब 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ती तभी फोटोसिंथेसिस हो पाता, लेकिन इन तीनों की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेंज बढ़ जा रहा है, यानी कि जो रेंज है वेवलेंथ का वो बढ़ जा रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं एक्सेसरी पिगमेंट, और लाइट को ये हार्वेस्ट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, फिर जाके इसको दे रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, LHC दूसरा नाम। और तीसरा बाबू एंटीना, हमारे छत पे होता था ना एंटीना टीवी के लिए, तो वो कैच करता था किसको, वेव्स को, बोलो, जिससे हम टीवी चलाते थे, चैनल पकड़वाते थे, तो कुछ जो लेता है कहीं से रिसीव करता है उसको एंटीना बोलते हैं, तो इसको हम तीन नाम दे दिए, एंटीना, एक्सेसरी पिगमेंट और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, किसको, तो क्लोरोफिल बी, कैरेटिनॉइड और जैंथोफिल, इसको छोड़ के सब क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट। चलिए आगे देखते हैं, अब एनसीईआरटी का वो उस पेज पे आ गए हम लोग जहां पे ग्राफ दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा बाबू, सबसे पहला जो ग्राफ दिया है ना वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्या है वो एब्जॉर्प्शन, वो एक्चुअल में बता रहा है कि जो नीचे आपका, नीचे क्या दिया है, सब ये सब ग्राफ दिए, मतलब वेवलेंथ दिया है, और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन दिया है, यानी कि दिखा रहा है कि कौन सी लाइट, मतलब कौन सी वेवलेंथ पे, ध्यान समझो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कौन से वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर से सुनिएगा, कौन से वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा जो ग्राफ दिया है नीचे वाला, बीच वाला, वो है एक्शन स्पेक्ट्रम, वो ये बता रहा है बाबू कि कौन सी वेवलेंथ पे,
कौन सी वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। अगर वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लिए तो एक्शन एक्शन जो हो रहा है काम एक्शन हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो एक्शन स्पेक्ट्रम। और अगर ये बता रहा है कितना एब्जॉर्ब लिख दिया वाई एक्सिस पे कहीं लिख दिया एब्जॉर्ब तो बाबू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और फिर दोनों तीसरे ग्राफ में बाबू क्या किया है दोनों को ऐसे कहा है कि जहां जहां पीक मिल रहा है एब्जॉर्प्शन का वहीं वहीं एक्शन का भी मिल रहा है। तो इससे उन्होंने कहा कि जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है उसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है उस मैच कर रहा है यानी कि रफली एग्जैक्टली कोइंसाइड नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है कि एकदम ओवरलैप कर रहा है लेकिन हाँ रफली कर रहा है याद रखना है इसको। तो ये लिखा है मैंने ग्राफ दैट शोज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ दैट शोज व्हिच पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ व्हिच स्पेसिफिक वेवलेंथ उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बाबू एनसीईआरटी ग्राफ ग्राफ नंबर ए जो कह रहा है देयर आर टू वेवलेंथ ऑफ एट व्हिच क्लोरोफिल ए। अब यहाँ पे मतलब मैंने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा उसमें कि क्लोरोफिल ए का दो ऐसा है जहां पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है पहला है ब्लू रीजन जो कि लगभग 450 के नैनोमीटर के आसपास है वही लिख लेंगे एनसीईआरटी में और रेड रीजन जो कि 690 नैनोमीटर के आसपास ठीक है ना दिखा रहा है रेड। तो ब्लू और रेड में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। जो ग्राफ बी और सी है वो क्या कह रहा है वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाई क्लोरोफिल ए ऑल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है। यहां पे मैंने एक्सेसरी पिगमेंट्स के आपको फायदे लिखे हैं ठीक है। देखिए क्लोरोफिल ए क्या है मेजर पिगमेंट है अदर देन क्लोरोफिल ए जो सारे पिगमेंट हैं जैसे क्लोरोफिल बी हुआ जेंथोफिल हुआ कैरोटिनॉइड हुआ विच आल्सो एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ कॉल एक्सेसरी पिगमेंट या तो एलएचसी या तो एंटीना ये तीनों नाम इसके हैं। फंक्शन क्या है एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विच कैन नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए एंड ट्रांसफर इट टू द क्लोरोफिल ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ। कह रहा है ये ऐसा लाइट जो क्लोरोफिल ए नहीं एब्जॉर्ब कर सकता उन सब को ये लोग एब्जॉर्ब करेंगे तो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ को हम ये क्या नैरो रेंज नहीं नैरो रेंज दिया था मैंने सबने उसको क्या किया गलत किया है पिछले वाले में ठीक है। तो वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ समझ रहे हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। दूसरा प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन मैंने कहा कि ये लोग ऐसी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ना जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वेवलेंथ कम हो तो क्या होगा एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब किए फिर उसको जब एनर्जी कम कर दिए फिर ट्रांसफर किए क्लोरोफिल ए को तो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं उसको ओके। अब आता है फोटो सिस्टम PS1 PS2 सब पढ़ा होगा ये सब देखते हैं बाबू देखो फोटो सिस्टम क्या है। फोटो सिस्टम कुछ नहीं बाबू एक अरेंजमेंट है पिगमेंट्स का ठीक है ना जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं। देखिए ध्यान से ये है क्लोरोफिल ए ये क्या है बाबू क्लोरोफिल ए है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर क्या बोलते हैं जो क्लोरोफिल ए है और इसके आजू बाजू सब क्या है बाबू हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो बाबू क्या हो सकते हैं जेंथोफिल कैरोटिनॉइड बी जेंथोफिल ये सब हो सकते हैं। इनको हम जो क्लोरोफिल ए को छोड़ के बाकी सब इनको बोलते हैं एलएचसी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंटीना बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं इसको बोलो एक्सेसरी पिगमेंट्स ठीक है। होता क्या है फोटो सिस्टम दो चीज होती है इसमें रिएक्शन सेंटर होता है और एक एंटीना होता है बता दिए बाबू दो तरह के फोटो सिस्टम होंगे ध्यान सुनना यही बता रहे हैं दो तरह के फोटो सिस्टम होंगे। अगर ये जो है क्लोरोफिल ए मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है मैक्सिमम कितना 700 नैनोमीटर तक उस नहीं तो हम बोलेंगे फोटो सिस्टम वन क्या बोलेंगे फोटो सिस्टम वन ठीक है ना सुनो। अगर ये क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको बोलते हैं फोटो सिस्टम वन। और दूसरा अगर बाबू कहीं 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 कुछ जगहों पर पत्तों में जहां पे रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर तक लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके आगे नहीं कर पा रहा है इसको बोलते हैं PS2 तो 680 तक कर ले रहा है 680 नैनोमीटर तक तो हम बोलेंगे क्या यानी 690 पे फोटोसिंथेसिस वो परफॉर्म नहीं करेगा वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो 680 तक अगर कर रहा है तो PS2 और अगर 700 तक कर रहा है तो PS1 ठीक है। नीचे देखें टाइप ऑफ फोटो सिस्टम दो मैंने लिखा यहां पे PS1 और PS2 क्या क्या है देखिए ध्यान से बाबू रिएक्शन सेंटर परफॉर्म मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700 नैनोमीटर इसीलिए इसको हम बोलते हैं P700 ठीक है डिस्कवर्ड फर्स्ट सबसे पहले यही डिस्कवर्ड भी हुआ था ठीक है डिस्कवर्ड फर्स्ट। एंटीना एब्जॉर्ब लैम्डा लेस देन 700 नैनोमीटर एंटीना जो करता है वो 700 नैनोमीटर मैंने कहा था ना कि जो उसके एंटीना होते हैं मतलब कि
जैसे कि जो LHC है, अगर मैंने कहा क्लोरोफिल ए 700 और कर रहा है, 700 मतलब हुआ मान लेते हैं 700 नैनोमीटर एनर्जी कंपेरेबल ज्यादा है, तो इनका जो एंटीना होगा वो 700 से कम वाला पूरा एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि एंटीना है, उसका काम है ज्यादा एनर्जी वाला एब्जॉर्ब करना ताकि इसे फोटो ऑक्सीडेशन से बचा सके, समझ रहे हैं ना। तो ज्यादा एनर्जी तो कम वेवलेंथ, तो 700 क्या है, ज्यादा वेवलेंथ है तो कम एनर्जी, याद रखिएगा। तो मैंने लिखा है एंटीना एब्जॉर्ब लैम्डा लेस देन 700, 700 से ऊपर नो फंक्शन। अगर 700 नैनोमीटर के ऊपर लाइट गई तो ये फंक्शन फोटोसिस्टम वो नहीं करेंगे। और PS1 कहाँ होता है बाबू? PS1 होता है कहाँ पे? स्ट्रोमल लैमेली में होता है और ग्रेनल थैलाकॉइड में। कहाँ होता है PS1, याद रखना। PS1 कहाँ होता है? PS1 कहाँ होता है? स्ट्रोमल लैमेली पे भी होता है, और स्ट्रोमल लैमेली पे होता है और कहाँ होता है? ग्रेनल थैलाकॉइड पे। मीन्स देखिए ये है मान लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये है आपका थैलाकॉइड, ग्रेना है, और ये क्या है आपका? ये बाबू है आपका स्ट्रोमल लैमेली। तो PS1 जो होगा देखिए, PS1 जो होगा वो यहां यहां होगा, ठीक है, और यहां भी होगा, यहां भी होगा, ठीक है। अभी हम देखेंगे PS2। तो PS2 सिर्फ ग्रेनल थैलाकॉइड पे होता है। कहाँ होता है PS2? ग्रेनल थैलाकॉइड पे। PS2 कहाँ होता है? ग्रेनल थैलाकॉइड पे। PS2 यहाँ नहीं होगा, मतलब स्ट्रोमल लैमिनम नहीं होगा, याद रखना है इसको। तो याद रखेंगे इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, कि जो बाबू ठीक है, देखिए जो PS1 है वो कहाँ है? स्ट्रोमल लैमेली में प्रेजेंट है और ग्रेनल थैलाकॉइड में, लेकिन जो PS2 है वो सिर्फ कहाँ है? ग्रेनल थैलाकॉइड में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखना। देखिए बाबू सब लोग यहाँ पे बस ऐसे ही है रिवीजन के लिए। मान लो अगर लाइट 500 नैनोमीटर पड़ रही है तो बताओ PS1 काम करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि इसको 700 से कम चाहिए, इसको 680 से कम चाहिए, ये भी करेगा। अगर बाबू लाइट 685 पड़ रही है तो PS1 काम करेगा, क्योंकि उसको 680 से ऊपर भी काम, 700 तक चाहिए उसको, और लेकिन ये काम नहीं करेगा क्योंकि 680 से ऊपर चला गया तो काम नहीं करेगा, ठीक है। बाबू 700 पहुंच गया तो PS1 काम करेगा, PS2 काम नहीं करेगा। 705 पहुंच गया तो ना PS1 काम करेगा ना PS2 काम करेगा, याद रखना है इसको, ठीक। अब देखिए विबग्योर जनरली 390 नैनोमीटर से 760 होता है, जिसमें से बाबू 400 से 700 नैनोमीटर को हम पार कहते हैं, मतलब कि जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो भी लाइट पड़ती है, लाइट पड़ती है पत्तों पे इतना 390 से लेकर 760, लेकिन हम कहते हैं 400 नैनोमीटर से 700 तक लगभग सनलाइट हो जाती है। मतलब सनलाइट जो होती है उससे पत्ते जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एक पार बोलते हैं। तो 400 से 700 नैनोमीटर की जो लाइट है इसी से फोटोसिंथेसिस होगा, बस इसी को बोलते हैं पार। अब देखिए थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा ये दो तीन बार क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं बता दे रहा हूं आपको। रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और एक है बाबू आपका इमर्सन इफेक्ट, क्या है ये देखिएगा। अगर सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ेगी तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस थोड़ा घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ PS1 ही काम करेगा, PS2 काम नहीं करेगा। PS1 काम करेगा, PS2 काम नहीं करेगा, तो हम कहेंगे अब इसे कहते हैं रेड ड्रॉप, क्योंकि बाबू रेड ड्रॉप यानी 700 नैनोमीटर रेड रीजन में आता है, तो रेड रीजन की लाइट सिर्फ पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे PS1 ही एक्टिव है, PS2 एक्टिव नहीं है। अगर कह रहा है कि दोनों लाइट पड़े, 680 वाला पड़े, 700 भी पड़े, या तो 680 के नीचे पड़े, तो PS1 भी काम करेगा, PS2 भी, तो हम कहते हैं पी फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगी, और इसे कहते हैं बाबू इमर्सन, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट। क्या कहते हैं? तो एक हो गया रेड ड्रॉप और एक हो गया इनहेंसमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए लाइट रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन, ध्यान से देखिए बाबू, इसमें चार स्टेप्स हैं। पहला गया लाइट, सबसे पहले लाइट पड़ेगी और लाइट पड़ते ही वाटर स्प्लिट होगा, और वाटर स्प्लिट होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, और बाबू वहां पे हाई एनर्जी इंटरमीडिएट बनेंगे जैसे ATP और NADPH। तो चार स्टेप हुए। पहला स्टेप क्या है? लाइट का एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है? वाटर स्प्लिटिंग। देखिए एक वाटर जब स्प्लिट होता है बाबू तो बनाता है क्या? आधा ऑक्सीजन, है ना, या तो हम कह दे हाफ O2 कह दो, या तो कह दो एक नेसेंट ऑक्सीजन, और दो प्रोटॉन्स बनाएगा, ठीक है बाबू, याद रखना है इसको। हाइड्रोजन बोलो तो यहाँ पे, क्योंकि दो प्रोटॉन अगर बोल रहे हो तो दो इलेक्ट्रॉन भी बोलना पड़ेगा, ठीक है, दो हाइड्रोजन बनाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो एच टू, अगर आपको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकालना है तो आपको दो दो H2O तोड़ना पड़ेगा, और H2O तोड़ने के लिए अब क्लोरीन लगता है, मैंगनीज लगता है, ये सब, ठीक
है, मिनरल रिलेशन चैप्टर में होता था, ये चार प्रोटॉन मिलेंगे, चार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी इंटरमीडिएट तो कौन है बाबू, ये एटीपी और एनडीपी जिसको यूज करेंगे किसमें हम। चलिए कुछ बेसिक्स बातें हम आपको बताते हैं। एनएडीपी का मतलब होता है निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, याद रखना निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, पी मतलब फॉस्फेट। एनएडीपी जो होता है एनएडीपी, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, इसको हम हाइड्रोजन दे देंगे तो रिड्यूस हो जाएगा, कहते हैं बाबू क्या, एनएडीपीएच। तो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन करते रहते हैं ताकि एनर्जी निकले, उसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लें या फिर एनएडीएच के फॉर्म में। अब देखो एनएडी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज है, ये हम कहां पढ़ेंगे, ये कहां पढ़ेंगे हम, ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, कहां पढ़ेंगे कि एनएडीएच क्या होता है, एनएडी क्या होता है, हम यहां पे पढ़ेंगे एनएडीपीएच और एनएडीपी, ठीक है ना। यही सेम है, बस इसमें विदाउट फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फोराइलेशन के बिना कंपाउंड बनाया गया है वहां पे। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं, देखो एक चीज याद रख लो, अभी यहीं से फोटोसिंथेसिस में दो चीजें यूज होंगी, एनएडीपीएच, एनएडीपी, एनएडीपी प्लस, एनएडीपी प्लस। ये मान लो एनएडीपी है, इसको एक हाइड्रोजन दे दिए तो कन्वर्ट हो गया एनएडीपीएच में, किसमें कन्वर्ट हो गया, एनएडीपीएच में। अगर एनएडीपी प्लस है, क्या है, एनएडीपी प्लस, तो आपको दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन देंगे तो दो हाइड्रोजन में दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बोलो यस चला गया, तो इसको खत्म हो गया, तो यहाँ पे एक ये जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के बचेगा क्या, एनएडीपी एच प्लस, एच प्लस लिखते हैं, क्यों लिखते हैं समझ में आया, देखो फिर से देखो, मान लो एनए है, डीपी प्लस है, एनएडीपी, एनएडीपी प्लस है, तो अब बाबू अब उसको दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, क्यों, देखो दो प्रोटॉन दो हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया इसको खत्म करने में, तो किस में कन्वर्ट हुआ, ये एनएडीपी में कन्वर्ट हुआ, ध्यान से देखना। अब इसके पास क्या बचा है, कुल मिला के दो प्रोटॉन बचा है और क्या बचा है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन ले आओ और एक इलेक्ट्रॉन ले आओ, इसे कहते हैं हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा, बस एक प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन जोड़ दिए तो क्या बचा, एनएडीपीएच, और एक प्रोटॉन जोड़ दो, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। तो क्या कहते क्या है, एक एनए, अगर एनएडीपी है तो एक हाइड्रोजन दे दो, एनएडीपीएच हो गया, और लेकिन अगर एनएडीपी प्लस है तो दो हाइड्रोजन देना पड़ेगा, तो वहां पे एक प्रोटॉन बच जाता है, तो कहते हैं एनएडीपीएच प्लस एच प्लस, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। देखें अब देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर करते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, तो जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जो, उसे कहते हैं रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस रिडक्शन, और कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको पॉजिटिव आता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। याद रखना जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, वो रिड्यूस हो गया, और जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ओके अब हम पढ़ेंगे बाबू ध्यान से देखो फोटोफॉस्फोरिलेशन, हम पढ़ रहे हैं लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी में हमको बनाना है एटीपी और एनएडीपीएच, और एटीपी और एनएडीपीएच अगर आपको बनाना है बाबू तो आपको पढ़ना होगा क्या, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एनएडीपी, लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन, तीनों चीज कैसे बनेगा ये हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए पूरी बायोलॉजी में तीन जगह आपका एनर्जी बनता है, एनर्जी बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। पहला एनर्जी जहां बनता है बाबू उसको बोलते हैं सबसे प्रिमिटिव जो होता है साइटोप्लाज्म में, और वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जहां पे हाई एनर्जी कंपाउंड कन्वर्ट होता है लो एनर्जी कंपाउंड में, और जब हाई से लो कन्वर्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम स्टोर कर लेंगे एटीपी के फॉर्म में, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि होता है साइटोप्लाज्म में, हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में रेस्पिरेशन में। और दूसरा होता है बाबू फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, फोटो मतलब होता है लाइट और फॉस्फोरिलेशन मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन, एटीपी का फॉर्मेशन, और ये कहां होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ग्रीन पार्ट में, क्लोरोप्लास्ट में, और ये पढ़ेंगे आप फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी बन रही है तो फोटोफॉस्फोरिलेशन, और अगर बाबू यही कहां बनता, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता, कहां, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बनता, ऑक्सीडेशन वाली, रेडॉक्स वाली मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन वाली एनर्जी यूज करेंगे, जहां पे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो तीन तरह का फॉस्फोरिलेशन होगा, अभी टेंशन मतलब आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है अब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एटीपी, और अगर हम सनलाइट की हेल्प से ले रहे हैं तो बोलेंगे फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या है, इट इज द फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड क्लोरोप्लास्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट, और कहां हो रहा है ये आपका, मतलब हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ते हैं। दो तरह का होगा, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक, चलिए देखते हैं बाबू। जो पहला फोटोफॉस्फोरिलेशन है इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या है ये, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, याद रखना इसको,
ये है हमारा वो पीएस पूरा का पूरा, यह है पीएस टू, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा पीएस वन, क्या है हमारा, ये पीएस वन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये है सन साहब, कौन है बाबू, ये सन है। ठीक है, ओके, ये है, चलिए देखते हैं सुंदर से प्यार से बाबू। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दो तरह के फोटोफॉस्फोरिलेशन चलते हैं तब जाके एनर्जीज बनती हैं। कैसे बनती हैं, क्या बनती है, देखने वाले हैं बाबू। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक बार निकला फिर दूसरे के पास गया, फिर दूसरे के पास गया वापस नहीं आया तो साइकिल नहीं बन चली, तो इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक। और अब इलेक्ट्रॉन निकला फिर वापस आया फिर वापस घूम घाम गया है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नॉन साइक्लिक होगा उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलेंगे, और जहां पे साइक्लिक होगा उसे हम साइक्लिक बोलेंगे। ठीक है ना, ठीक है, देख लेते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। बाबू नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों काम करेगा। PS1 और मान लेते हैं ये PS1 का क्या है, यहाँ पे LHC है, यहां से देखना यहाँ पे क्या है, PS1 का LHC है, ये पूरा PS2 कहलाएगा, सॉरी ये पूरा PS2 कहलाएगा, ये पूरा PS1 कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले PS2 काम कर रहा है, उसके बाद PS1 काम कर रहा है, मतलब कि सीरीज की बात करें सबसे पहले PS2 पढ़ते हैं फिर PS1 पढ़ते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन होती है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आते हैं कि बाबू PS1 और PS2 दोनों का जो नाम पड़ा है, PS1 का PS1 इसलिए पड़ा है, ऐसा नहीं पहले पाया जाता, पहले तो PS2 पाया जा रहा है लेकिन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि पहले वो डिस्कवर किया गया था, तो पहले डिस्कवर किया गया उसको, तो इसलिए हम PS1 कह दिए। तो फंक्शन के बेस पे नाम नहीं दिया गया है, डिस्कवर के बेस पे दिया गया है। देखिए बाबू सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ा, ये PS1 का है, PS1 का है, तो यहाँ पे कितना सनलाइट चाहिए बाबू बताइए, 700 से कम कोई भी सनलाइट मिले, कितना मिले, लेकिन बाबू अब ध्यान समझिएगा, 700 से कम कोई भी सनलाइट मिले तो ये PS2, सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ, ये देखो PS2 है, क्या है ये PS2 वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे 680 से कितना भी कम, 680 से सनलाइट कम मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। अब देखो जो इसका रिएक्शन सेंटर होगा क्लोरोफिल ए होगा, मान लेते हैं क्लोरोफिल ए क्या करेगा, जैसे 680 सनलाइट मिला उसको ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जैसे अब देखो नॉर्मल समझो, सनलाइट गिरा PS2 से इलेक्ट्रॉन, कितना बाबू चाहिए, कितना चाहिए सनलाइट, 680 से कम होना चाहिए, 600 से ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया फियोफाइटिन के पास, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS2 कौन है, फियोफाइटिन। बाबू इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा इसलिए तो नॉन साइक्लिक है। ठीक है, अब ये बाबू जो फियोफाइटिन है, ध्यान से देखना, अब ये जो फियोफाइटिन है ये इलेक्ट्रॉन किसके पास भेजेगा, प्लास्टोक्विनोन के पास, किसके पास भेजेगा, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन मतलब प्लास्टिड, मतलब प्लास्टिड में है क्विनोन कंपाउंड, प्लास्टोक्विनोन, यहां से जाएगा एक बाबू दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F, क्या नाम है, साइटोक्रोम B6F, इसके पास जाएगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन, इन तीनों को मिला के कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या कहते हैं बाबू, यहाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आया तो पक्का इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इसकी एनर्जी कम थी, क्योंकि कोई भी चीज कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ रहा तो क्या रिलीज कर रहा होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, और ये एनर्जी जो यहाँ पे बाबू ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इनको जोड़ करके क्या बना देगा, ATP बना देगा। तो ध्यान सुनिएगा फिर से क्या हुआ बाबू, यहाँ पे लाइट गिरी, लाइट PS2 से, जब लाइट PS2 पे गिरी तो यहाँ पे जो LHC होगा, यहाँ पे क्लोरोफिल जो ए होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, ये है फियोफाइटिन, कौन है बाबू, ये फियोफाइटिन, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को वापस ना भेज के किसको पास कर दिया, प्लास्टोक्विनॉन को, प्लास्टोक्विनॉन ने किसको भेजा, साइटोक्रोम B6F को, ये इसने किसको भेजा, प्लास्टोसाइनिन को। ठीक है, जब ये ऐसे नीचे जा रहा था, डाउन द ग्रेडियंट, देखो ये पहले अप हिल गया, अब कैसे जा रहा है, डाउन हिल, तो जब जा रहा था तो जब नीचे हाई एनर्जी से नीचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा और यहां बनेगा ATP, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहां पे चल रहा है वहां पे ATP बनता है, क्या बनता है वहां पे, ATP, ATP बन गया। अब बाबू ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंचा PS1 के पास, ठीक, जब यहाँ लाइट पड़ा बाबू, यहाँ पे भी लाइट पड़ा होगा, यहाँ पे लाइट पड़ा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जो निकला बाबू याद रखो जो इलेक्ट्रॉन आया है वो नहीं, वो आके यहाँ सेटल हो गया, यहाँ बैठ गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट पड़ी तो यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, ध्यान समझना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन गया कहाँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यहाँ होगा आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ पे कौन होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन PS1 इज कौन, ये PS1 है, क्या ये PS1, वहां कौन है इलेक्ट्रॉन, वहां पे FeS है, फेरस, यानी कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस नहीं करेगा, ये भेजता है किसको बाबू, एक और इलेक्ट्रॉन कैरियर का नाम है फेरोडॉक्सिन, क्या नाम है, फेरोडॉक्सिन, क्या नाम है बाबू, फेरोडॉक्सिन।
फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को भेज देगा एनएडीपी प्लस के पास, किसके पास, एनएडीपी प्लस, एनएडीपी प्लस के पास फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन भेजेगा और एनएडीपी प्लस को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा किसमें, पहले किसमें रिड्यूस होगा, एनएडीपी में रिड्यूस होगा। और साथ में बाबू यहाँ पे बाबू ये एच प्लस होगा, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन होंगे, मैट्रिक्स की बात हो रही है ना, मैट्रिक्स में हाइड्रोजन ले लेगा और एनएडीपीएच किसमें कन्वर्ट कर देगा, एनएडीपीएच में। देखो ध्यान से कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एफडी एफडी के पास आया, इलेक्ट्रॉन किसको दिया, एनएडीपी प्लस को दिया, एनएडीपी प्लस क्या किया, एच ले लिया बाहर से मैट्रिक्स से और किसमें कन्वर्ट हो गया, एनएडीपीएच में। तो अभी एटीपी बना था, यहाँ पे एनएडीपीएच भी बन गया, तो एनएडीपीएच बना। और इसके लिए जो एंजाइम लगा इसको बोलते हैं एफएनआर, एफ मतलब फेरेडॉक्सिन, एन मतलब एनएडीपी प्लस और आर मतलब रिडक्टेज। तो एफएनआर एंजाइम लगा यहाँ पे, फिर से देखो क्या हुआ बाबू, देखो फिर से अगेन जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे सनलाइट पड़ी कहाँ पे, पीएच टू में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट किसने किया, फियोफाइटिन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, प्लास्टोक्विनोन, यहाँ से कहाँ गया, साइटोक्रोम B6F, यहाँ से कहाँ गया, प्लास्टोसाइनिन, यहाँ से कहाँ गया, PS1, PS1 से इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे सीधे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जब PQ से साइटोक्रोम B6F और PC गया तो इसे बोलते हैं ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन, और यहाँ पे क्या बनता है, ATP, तीनों मिला के जब इलेक्ट्रॉन गया तो इसी के स्टोर कर लेते हैं, ATP बना देते हैं, ATP बन गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, PS1 के पास, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सेटल हो गया, ठीक है। फिर जब लाइट यहाँ पड़ी तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकला तो इसको कौन सबसे पहले कौन एक्सेप्ट किया, आयरन सल्फर प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट इन द PS1। और बाबू इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फेरेडॉक्सिन के पास, फेरेडॉक्सिन से कहाँ गया, एनएडीपी प्लस, इसको रिड्यूस कर दिया किसमें, एनएडीपीएच में। और बाबू एनएडीपीएच हाइड्रोजन ले लिया होगा मैट्रिक्स से, और एनएडीपीएच क्या है, ये भी एनर्जी इंटरमीडिएट है, और इसमें एंजाइम कौन सा यूज हुआ, एफएनआर, फेरेडॉक्सिन, एनएडी प्लस, रिडक्टेज, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ अच्छी बातें, देखिए यहाँ पे PH2 जो होता है बाबू, PH2 के पास होते हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स जो वाटर स्प्लिट करते हैं। तो बाबू ध्यान समझ, नॉन साइक्लिक कैसे चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस्ट हो रहा है, बार बार लॉस्ट हो रहा है, तो बाबू ये तो इलेक्ट्रॉन लेस हो जाएगा, एक समय बाद खाली खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करने के लिए हम PH2 के पास, हम देखेंगे अभी जब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस तब अच्छे से देखेंगे, PH2 के पास यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है जिससे H2O को स्प्लिट करता है, और दो H2O स्प्लिट होते हैं, चार प्रोटॉन, चार इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। और अब यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी, जो PH2 के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बार बार, उसकी इलेक्ट्रॉन कमी कौन पूरा करता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। और मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा तो यहां सेटल हो जाएगा, मतलब यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसकी कमी को पूरा कौन कर रहा है, PH2 कर रहा है। तो PS1 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करता है PH2, और PH2 के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है कौन, H2O की स्प्लिटिंग, याद रखना इसको। ओके ये हो गया, ये पूरा हो गया आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी बना, एटीपी भी बना, और क्या बना, एनएडीपीएच बना। ये हो गया आपका पूरा, मैंने यहाँ पे लिखा है पीएच मतलब फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर और PH2, एफएस आयरन सल्फर प्रोटीन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर फॉर PS1, PQ मतलब प्लास्टोक्विनोन, ठीक है, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F, PC मतलब प्लास्टोसाइनिन, FD मतलब फेरेडॉक्सिन, FNR मतलब एंजाइम है, फेरेडॉक्सिन एनएडी प्लस रिडक्टेज, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब हुआ। ओके अब देखिए एक चीज और देखिए ध्यान से, इसको हम बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम। अगर रेडॉक्स स्केल पर रखें तो बाबू देखो इसकी एनर्जी कम, मान लो यहाँ पे जो भी होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा, फिर इसकी एनर्जी कम कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो गया ऊपर, इसको बोलते हैं सबसे पहले कब जाएगा, अपहिल जाएगा, फिर नीचे आ रहा है डाउन द ग्रेडियंट तो बोलते हैं डाउन हिल आएगा, कैसे आएगा, डाउन हिल क्वेश्चन बनेगा ध्यान से देखना, फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ से जब फिर लाइट पड़ा तो फिर यहाँ बोलेंगे अपहिल जाएगा, और फिर क्या जाएगा, फाइनली डाउन हिल जाएगा। तो बाबू यहाँ पे अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पे बेसिकली जेड बन रहा है, क्या बन रहा है, जेड, ये भी जेड, वो अलग से जेड, तो ये जेड स्कीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड स्कीम बोलते हैं, बस ये बताना था, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ध्यान से देखना, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 काम आएगा, PH2 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जो होता है बाबू, इसमें जो लाइट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसी में साइकिल करता है, और ये तब होता है जब लाइट पड़ रही हो, कब, जब लाइट पड़ती है कितना, 680 से ज्यादा, और जब लाइट 680 से ज्यादा पड़ेगी तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ PS1 काम करेगा, क्योंकि PH2 के लिए 680 है, उससे कम चाहिए, तो जब 680 से ऊपर लाइट पड़ रही है और 700 के आसपास पड़ रही है तो PS1 काम करेगा। और अब ध्यान समझो, अगर PS1 को अकेले काम करना है, देखो ध्यान से, अगर PS1 को अकेले काम करना है, ध्यान सुनिएगा सब लोग, अगर PS1 को अकेले काम करना है तो अब क्या करेगा ये, ध्यान से देखें, अगर अगर PS1 अकेले काम करना है, यहां लाइट पड़ी,
लाइट पर इलेक्ट्रॉन गया, अगर ये फेरोडॉक्सिन को दे देगा और यहाँ पे NADH बनवा देगा NADPH, तो क्या होगा, देखो दिक्कत क्या होगी, इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाएगा और एक समय बाद ये पूरा पिगमेंट में इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन की साइकिल को PH2 अब कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि 680 से ऊपर लाइट पड़ी है। इसीलिए क्या करता है, ये कहता है कि ठीक है हम NADPH नहीं बनाएंगे, चलो अब ये जो लाइट जब इलेक्ट्रॉन पड़ा तो FES के पास गया, FES किसको देना चाहिए था, फेरोडॉक्सिन को, इसको ना देकर किसको देता है, प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन किसको देगा, फिर साइटोक्रोम B6F को, फिर किसको देगा, प्लास्टोसाइन को, फिर ये साइकिल चलती रहेगी। और आपको पता है कि ये ETS है और इसी ETS में बनता है ATP, क्या बनता है, ETC मतलब वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो डिस्प्लेसमेंट वाला अलग है, यहां क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, तो यहां ATP बनता है, तो ATP तो बन गया लेकिन यहां पे NADPH क्यों नहीं बना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को इधर देता NADPH बनवाता तो इलेक्ट्रॉन खर्च हो जाता और इस साइक्लिक नहीं कहलाता, क्योंकि यहां पे लाइट 680 से ऊपर पड़ रही है। तो याद रखना FES इलेक्ट्रॉन NADP+ को ना देकर के PQ को देगा ताकि साइकिल कंटिन्यू रहे, मींस NADPH बनेगा और बाबू NADPH नहीं बनेगा ATP बनेगा, और यहां वाटर की स्प्लिटिंग भी नहीं होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, बस 5 मिनट, और अगर ATP नहीं बनेगी NADPH नहीं बनेगा और वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, ठीक है याद रखना। ठीक, अब देखिए कुछ बातें हम आपको बताते हैं, देखिए बाबू आपको NCERT के हिसाब से पहले हम बता रहे हैं, तब ये सब ये बकवास मैंने सोचा था सब ओवरऑल बता दूंगा आपको, लेकिन दिक्कत इसमें हो रही है क्वेश्चंस में, क्योंकि NCERT पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको याद रखना है अगर 680 से ऊपर लाइट पड़ी, क्या पड़ी, 680 से ऊपर लाइट पड़ी तो साइक्लिक चलेगा, और अगर 680 या उससे नीचे पड़ी तो नॉन साइक्लिक चलेगा, बस इतना समझो। और बाबू पूछे अगर तुमसे कि साइक्लिक कहाँ होगा, तो याद रखना बस सीधे सीधे देखो जो बोल रहा हूँ यही बार बार देखना बस, और कुछ जो भी बताया भूल जाना, क्योंकि वो मैंने ओवरऑल पूरे यूनिवर्स के लिए बताया, पूरा अर्थ के लिए बताया, मैं सिर्फ अब फायर प्लांट की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान सुनना, अगर साइक्लिक चलाना है तुमको सिर्फ साइक्लिक, तो लाइट कितनी कितनी चाहिए, 600 से ऊपर, और साइक्लिक का लोकेशन क्या होगा, याद रख लो स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि स्ट्रोमल लैमेली में सिर्फ PS1 है। अगर हम बात करेंगे ग्रेनल थाइलाकॉइड, तो वहां पर PS1 PS2 दोनों है, और जब लाइट वहां पड़ेगी 680 या उससे कम तब होगा नॉन साइक्लिक, तब होगा क्या, नॉन साइक्लिक। अब साइक्लिक वहां होगा कि नहीं ये डिस्कशन होता है, तो साइक्लिक वहां होगा ठीक है, लेकिन NCERT ने कुछ लिखा नहीं है तो हमको नहीं पढ़ना है, आप बस जानो साइक्लिक कहां होगा स्ट्रोमल लैमेली और नॉन साइक्लिक कहां होगा ग्रेनल थाइलाकॉइड, बस ठीक है। अब हम पढ़ेंगे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्या पढ़ेंगे बाबू, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद होगा आपका बाबू डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, द केल्विन साइकिल, फिर पढ़ेंगे हम ये खत्म कहानी सी4 पाथवे, ये सब फैक्टर्स अफेक्टिंग सब खत्म, ठीक है। तो दो थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ क्या, 5 मिनट का, ठीक है ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, ठीक है ना, ओके मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखते हैं, ध्यान से देखिए आप, हमने देख लिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और देख लिया हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब उसमें जो एटीपी बन रहा है ना, एक्चुअल में कैसे बन रहा है, उस मैकेनिज्म को, एटीपी बनने का जो मैकेनिज्म है, एनएडीएच कैसे बन रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना, उस अंदर घुस के हम बात करेंगे, और वो जो हाइपोथेसिस है उसी को बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। और बाबू दिया था किसने, मिचेल ने दिया था, याद रखेंगे नाम बस ऐसे ही टेस्ट के लिए, बाकी नीट में आएगा नहीं, मिचेल ओके। अब देखिए बाबू केमी ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, केमी मतलब केमिकल और हम यहाँ पे बात करेंगे H+ की, और बाबू यहाँ ऑस्मोटिक मतलब होता है ऑस्मोसिस फ्लो, क्या मतलब होता है, ऑस्मोसिस फ्लो, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो H+ को हम फ्लो कराएंगे, किस तरह से ATP बनाएंगे ये सब देखने वाले हैं। इसको हम क्लोरोप्लास्ट में भी ETS नाम देते हैं, एक ETS पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन में, एक ETS यहाँ होता है क्लोरोप्लास्ट में, वही है बाबू केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है ओके। अब देखें, इट टेल्स अस द मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट, ओके नोट करके लिखना क्या है, देखो इन लिविंग सेल्स तीन तरह के ATP बनता है, सब बता दिया मैंने, पहला होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जो कि साइटोप्लाज्म बनता है, और इसमें हाई एनर्जी सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है लो एनर्जी में, साथ में ATP बनती है। ग्लाइकोलिसिस एग्जाम्पल है इसका, ठीक है यहाँ पे क्रेब्स साइकिल लिखा है मैंने, ये जो कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गलत है ये, ठीक है ग्लाइकोलिसिस का एग्जाम्पल है ओके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाबू ये रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। और तीसरा होता है फोटो फॉस्फोरिलेशन जो कि क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे एनर्जी बनती है, देख लीजिए स्लाइड साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ सबको पता है। अब हमको पढ़ना है क्या,
केमी ऑस्मोटिक, तो इसमें क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी आर प्रोड्यूस्ड इन केमी ऑस्मोसिस बिकॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थायलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब देखो हम क्या लेंगे, हम लेंगे एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में से थायलाकॉइड लेंगे, थायलाकॉइड का मेम्ब्रेन उठाएंगे, थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन बाबू जो थायलाकॉइड होगा उसके अंदर जो पार्ट है, सुनना, जो थायलाकॉइड के अंदर पार्ट है खाली जगह उसको ल्यूमेन कहेंगे, और थायलाकॉइड के जो बाहर सब कुछ है वो स्ट्रोमा है। तो हम यहाँ दो बात करेंगे, ल्यूमेन के अंदर हमको बाबू H+ इकट्ठा करना है, प्रोटॉन इकट्ठा करना है। अब जब अंदर इकट्ठा कर लेंगे प्रोटॉन तो बाहर प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो एक ग्रेडियंट बन जाएगा, डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, अंदर प्रोटॉन ज्यादा और बाहर प्रोटॉन कम। अब बाबू तब अंदर अगर ज्यादा तो बाहर कम, तो अंदर से कहां जाना चाहेगा, बाहर की तरफ जाना चाहेगा, और जब ये प्रोटॉन जाएगा इतनी तेजी से जाएगा कि बाबू ये जनरेट करेगा प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और वहां पे लगे होते हैं एक बाबू एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम, वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और एटीपी बन जाएगा। और ये जो बोला हूं अभी एक पल्ले नहीं पढ़ा होगा जो पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन यही पढ़ने वाले हैं बाबू। पहली बात कि एटीपी सिंथेज में जो आपका ये एटीपी सिंथेसिस हो रहा है केमी ऑस्मोटिक में, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, पहला पहला है प्रोटॉन ग्रेडियंट, पहला क्या चीज प्रोटॉन ग्रेडियंट, दूसरा एटीपी सिंथेज। बाबू एटीपी सिंथेज ध्यान से देखना, अगर हम क्लोरोप्लास्ट में पढ़ रहे हैं एटीपी सिंथेसिस तो ये इसे कहते हैं सी एफ नॉट सी एफ वन, तो बाबू जो अंदर घुसा होगा उसे सी एफ नॉट कहेंगे और जो बाहर निकला होगा सी एफ वन कहेंगे। और एक चाहिए मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे थायलाकॉइड मेम्ब्रेन लेंगे, और चौथा क्या होगा प्रोटॉन पंप, जो प्रोटॉन को जो है स्ट्रोमा से थायलाकॉइड में मतलब ल्यूमन में ले आएगा। तो चार चीजें हमको रिक्वायर्ड होंगी। चलिए उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, एनसीईआरटी जहां पे केमी ऑस्मोटिक लिखी है वहीं पे तीन चार लाइन लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट में हम ल्यूमेन में H+ इकट्ठा करवाते हैं, लेकिन अगर यही माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम बनवाते हैं बाबू एटीपी तो वहां पे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठा कराते हैं H+ को, याद रखेंगे, और हमने देख भी लिया ETS में, देखेंगे भी ETS में। ओके, तो वाई एच प्लस जनरेटर, हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं H+ को, H+ ग्रेडियंट को जनरेट करने में, ग्रेडियंट को जनरेट करने में, बिकॉज ब्रेक डाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट, जब ये ग्रेडियंट टूटेगा तब जाके एटीपी बनेगी, जब ग्रेडियंट टूटेगा तब जाके क्या बनेगी एटीपी। अब कैसे टूटेगा कैसे एटीपी बनेगी, चलो सलो देख लेते हैं। अब हमको क्या करना है बाबू, हम आपको पास ले लिए क्या, जैसे मान लो कि एक क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में से एक थायलाकॉइड लिया हमने और थायलाकॉइड को जूम कर लिया बाबू, उस थायलाकॉइड में चले। अब याद करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसमें क्या था, सबसे पहले PH2 था, क्या था बाबू PH2 था सबसे पहले, सभी लोग बताएं सबसे पहले क्या था PH2, ठीक है ना PH2 क्या था PH2, ये PH2 है मान लो, ठीक है ना, ये क्या है बाबू PS2, ओके PS2 ये हो गया आपका PS2। उसके बाद क्या है बाबू प्लास्टोक्विनोन, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है साइटोक्रोम B6F, और फिर क्या दिया है प्लास्टोसाइनिन, और लास्ट में क्या दिया है PS1, क्या दिया है PS1। तो ये पूरा एकदम सीरीज दिया है जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। अब ध्यान से देखिए हमको क्या करना है, बेसिकली हमको ये करना है कि जो आपका अंदर ल्यूमेन है थायलाकॉइड के अंदर का पार्ट जो इसे ल्यूमेन कह रहे हैं, यहाँ पे आपको करना क्या है बाबू, यहाँ पे H+ इकट्ठा कराना है, क्या इकट्ठा कराना है, बाहर क्या है स्ट्रोमा, अंदर क्या है ल्यूमेन, हमको H+ इकट्ठा करना है, यानी कि हमको एक बनाना है प्रोटॉन ग्रेडियंट, और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए अंदर H+ इकट्ठा करना पड़ेगा। तो H+ इकट्ठा करने के लिए अंदर हम तीन काम करेंगे, कितने काम करेंगे तीन काम, पहला काम क्या करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, पहला क्या करेंगे, और जब वाटर स्प्लिट होगा तो दो मॉलिक्यूल वाटर स्प्लिट होने पे चार प्रोटॉन निकलेगा, चार इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकलेगा, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो चार प्रोटॉन निकला वो जा करके ल्यूमेन में इकट्ठा हो गया, पहला रीजन। मैंने कहा तीन कॉज हैं, तीन तरीके हैं जिससे हम H+ बढ़ा सकते हैं, अंदर और बाहर कम कर सकते हैं, या तो कहें तीन तरीके हैं जिससे हम प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो पहला ये हो गया, दूसरा देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जो है बाबू जब यहाँ पे लाइट पड़ेगा तो PS2 से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा PQ के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, और PS2 से कहाँ जाता था बताओ बताओ बताओ, PS2 से कहाँ जाता था फियोफाइटिन के पास, वहां से कहाँ जाएगा PQ के पास। जब PQ के पास जाएगा बाबू, PQ बाबू याद रखना ये हाइड्रोजन कैरियर भी है इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और बाहर मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन लेकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें PQ H2 में, यानी कि हम इसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन, और बाबू ये कन्वर्ट हो गया प्लास्टोक्विनोल में और ये रिड्यूस हो गया, क्या हो गया रिड्यूस, वापस ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें PQ में, और जब वापस PQ में ऑक्सीडाइज होगा तो दो H+ बाबू कहां ले लेगा, दो H+ को ला देगा ल्यूमेन में, किसमें ला देगा बाबू ल्यूमेन में, याद रखेंगे। फिर से देखें सब लोग बाबू, जो PQ है कन्वर्ट हुआ PQ H2 में और वापस PQ H2 कन्वर्ट हुआ PQ में, जब PQ कन्वर्ट हुआ PQ H2 में तो क्या किया, मैट्रिक्स से दो H+ ले लिया तो मैट्रिक्स में H+ कम हो गया। अब देखिए इतना ही नहीं, PQ H2 से फिर कन्वर्ट हुआ वापस PQ में और दो H+ कहां रिलीज हो गया, तो हमने कहा चार H+ पहले ही रिलीज हुआ था, दो H+ और रिलीज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब इलेक्ट्रॉन फिर आगे जाएगा कहां पे, साइटोक्रोम B6F, उसके बाद कहां जाएगा प्लास्टोसाइनोन, उसके बाद कहां जाएगा बाबू PS1 पहुंच गया। PS1 से याद करो कहां जाता था, ये जाता था PS1 के क्लोरोफिल ए से कहां जाता था बाबू, कौन FES के पास जाता था, और फाइनली फेरोडॉक्सिन के पास जाता था। फेरोडॉक्सिन जो होगा बाबू,
फेरोडॉक्सिन से ये जाएगा कहां, एनएडीपी प्लस के पास, किसके पास, एनएडीपी प्लस के पास, और एंजाइम काम करेगा यहां पे बाबू कौन, एफएनआर, और इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको हम देखे हैं नॉन साइक्लिक में, एनएडीपीएच में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो एच आया कहां से आया, मैट्रिक्स से आया, कहां से आया, मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में एच प्लस की क्या हो जाएगी, कमी, तो मैट्रिक्स में एच प्लस की कमी हो यानी कि अंदर उसके मुकाबले बढ़ गया। तो तीन तरीके हुए जिससे हम एच प्लस अंदर बढ़ा रहे हैं बाहर घटा रहे हैं, पहला हुआ क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दूसरा क्या हुआ बाबू, पीक्यू कन्वर्ट किसमें हुआ, पीक्यूएच टू में, वापस किसमें गया, पीक्यू पीक्यू में, तो यहां से दो एच प्लस कहां आ गया, अंदर आ गया। तो तीन तरीके हुए और यहाँ पे एक कम हो गया। तो बाबू हम कहेंगे ल्यूमेन में एच प्लस कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बाबू पीएच क्या हो गया, अगर एच प्लस कम हो गया एसिडिक ज्यादा आने की पीएच कम, और यहाँ पे पीएच ज्यादा हो गया, याद रखना। अब बाबू देखो यहाँ पे होता है एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, क्या नाम है बाबू, एटीपी सिंथेज एंजाइम, और एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं जो अंदर बाबू मेम्ब्रेन के अंदर जो घुसा हुआ है एम्बेडेड, इसको बोलते हैं सीएफ नॉट, क्या बोलते हैं, सीएफ नॉट, और जो बाहर निकला हुआ है इसको बोलते हैं सीएफ वन, कौन सा पार्टिकल, CF1 पार्टिकल। बाबू जो CF नॉट है ये प्रोवाइड करता है चैनल, इसका काम है बाबू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ये चैनल प्रोवाइड करेगा बस और कुछ नहीं करेगा। और जो F1 पार्टिकल है जैसे ही यहां से बाबू ये देखो अंदर प्लस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि H प्लस ज्यादा है और बाहर माइनस ज्यादा, तो ये किधर आना चाहेगा, बाहर, तो बाहर जैसे H प्लस आएगा, ध्यान से देखेंगे H प्लस आएगा तो यह प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करेगा जिसकी वजह से F1 में कुछ कंफर्मेशनल चेंजेज आएंगे, या तो यूं कहें कि एटीपी सिंथेज एक्टिवेट हो जाएगा, और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो बाबू एडीपी जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, तो एटीपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा बाबू, एटीपी बन जाएगा। तो बस ये याद रखना, ये स्ट्रोमा है, थायरॉइड मेम्ब्रेन, यही है बाबू क्या, कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो जिसको नहीं समझ में आए फिर से थोड़ा सा 2-3 मिनट पहले जाएं और पूरा अच्छे से सुने एकदम, यही है कीमो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वी नीड टू क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन थैलाकोइड ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा, दिस ग्रेडियंट इज क्रिएटेड ड्यू टू 3 फैक्टर्स, पहला PH2 इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ थैलाकोइड ल्यूमेन, ठीक है ना, PH2 कहां प्रेजेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देखें PH2 कहां प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ थैलाकोइड, थैलाकोइड का जो ल्यूमेन है उसके अंदर है, ल्यूमेन में नहीं है, इनर साइड मेम्ब्रेन के अंदर है, अंदर साइड में, तो वहां पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वाटर स्प्लिटिंग भी PH2 के पास होती है और वहां पे H+ बनता है और एक्युमुलेट होता है कहां पे, ल्यूमेन में, तो H+ की मात्रा बढ़ जाती है ल्यूमेन में, pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर हम मूव करेंगे, मोमेंट इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो वहां पे बाबू इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर्स होते हैं फियोफाइटिन है, फिर वहां ट्रांसफर किससे होगा, H+ कैरियर जो होता है वो प्लास्टोक्विनोन है, ठीक है, प्लास्टोक्विनोन किसमें कन्वर्ट होगा, PQS2 में, और फिर वहां पे दो H+ कहां आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, दूसरा रीजन हो गया। तीसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम जो होगा वो स्ट्रोमा साइड में है, स्ट्रोमा साइड में H+ कहां से उठाएगा, स्ट्रोमा से, तो स्ट्रोमा में H+ कम हो गया और NADP+ को कन्वर्ट कर देगा किसमें, NADPH में, और वहां पे H+ कम कर देगा स्ट्रोमा में, तो ये सब हो गया। तो जिसकी वजह से बाबू क्या होगा, अब देखिए मींस H+ ज्यादा इन ल्यूमेन, H+ किसमें ज्यादा हो गया, ल्यूमेन में, और H+ किसमें कम हो गया, स्ट्रोमा में, ठीक है। नाउ H+ मूव वाया CF0 पार्टिकल एंड रीचेस टू CF1, CF0 से कहां आ गया, CF1 में आ गया, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ H+ अ फोर्स इज जनरेटेड नेम प्रोटॉन मोटिव फोर्स दैट चेंजेस द कंफर्मेशन ऑफ CF1 मॉलिक्यूल एंड ATP इज फॉर्म, जो बताया मैंने आपको वही है पूरा। अब ये हो गया लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन हो गया तो आपने देखा ऑक्सीजन बना, आपने देखा NADPH बना, आपने देखा ATP बन गया कि नहीं बन गया, तो तीन चीजें बन गई यानी कि लाइट रिएक्शन हो गया। अब इस लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो यूज होगा किसमें, डार्क रिएक्शन में, किसमें यूज होगा, चलिए। तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम होता है वो बायोसिंथेटिक फेज, क्या नाम होता है, इसमें क्या क्या होगा देखिएगा, डार्क रिएक्शन में शुगर बनता है, क्या बनता है, तो कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन कहते हैं, यानी कि शुगर फॉर्मेशन, क्या होगा यहां पे, शुगर का फॉर्मेशन। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, डायरेक्टली इन विच सुगर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से हम क्या बनाते हैं, सुगर बनाते हैं। अकर्स इन स्ट्रोमा, कहां होगा, स्ट्रोमा में, किसके, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इन डार्क रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इज यूटिलाइज्ड, ATP NADPH यूटिलाइज होता है। बाबू ऑक्सीजन के बारे में एक बात समझो, ऑक्सीजन को हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट, क्या कहते हैं, ये प्लांट का क्या है बाबू, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन को वो यूज नहीं करता है अपने मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, हम लोग यूज करते हैं। डार्क रिएक्शन कंटिन्यूज इवन आफ्टर लाइट रिएक्शन, ये सब बता चुके हैं कि लाइट रिएक्शन अगर खत्म हो गया, लाइट रिएक्शन स्टॉप हो गया, तब भी कुछ देर तक ये बाबू डार्क रिएक्शन चलेगा, कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है आपका लाइट रिएक्शन का खत्म ना हो जाए। केल्विन बाबू, केल्विन एक साइंटिस्ट थे, चलिए आ जाते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब बात यह हुई कि सबसे पहला प्रोडक्ट प्लांट में क्या बनता होगा, सबको पता था कि शुगर बन रहा है, लेकिन क्या उससे पहले भी कुछ बनता होगा। तो केल्विन ने देखा कि कुछ ऐसे पौधे थे जिसमें शुगर के पहले एक छोटा सा कंपाउंड बन रहा है जो कि 3 कार्बन का है, जिसका नाम था 3PGA, क्या नाम था,
फॉस्फोग्लिसरेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थ्री फॉस्फो यानी कि तीन कार्बन का, ये तीन कार्बन का एक सुगर है, एक सॉरी तीन कार्बन का एसिड है, और तीन कार्बन के तीसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है, तो हम कह दिए 3PGA। ठीक है, कैसे इनको पता चला, क्या पता चला, चलिए अभी हम बात करेंगे। उससे पहले आइए, इन्होंने एक स्टडी करी एल्गल फोटोसिंथेसिस के साथ, इसके साथ जहां पे कार्बन का आइसोटोप यूज किया, कार्बन 14, नॉर्मली इसका कितना होता है, कार्बन 12 होता है, तो आइसोटोप क्या होगा 14, जो कि रेडियो एक्टिव था। ही यूज CO2 टू वर्कआउट, इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने एक बीकर लिया मतलब टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें क्या भर दिया, इसमें एल्गा भर दिया, क्या भर दिया बाबू, एल्गा, और एल्गी इसमें जो CO2 डाला इन्होंने वो 14 वाला था, क्या था, फिर एल्गा का जो बाबू एल्गी में जो आपका जो भी होगा इनका स्ट्रोमा जहां पे शुगर बन रहा है, जो स्ट्रोमा साइट था, ध्यान से देखेंगे, जो स्ट्रोमा एल्गा प्लांट है, प्लांट है तो मतलब यूकेरियोट है, यूकेरियोट है तो मतलब क्या होगा, इसके पास वो होगा ना, मतलब प्रोटोप्लास्ट होगा, उसमें देखा कि जो फूड बन रहा है वो स्ट्रोमा में बन रहा है, ना कि थाइलाकॉइड में। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि बाबू जो CO2 था वो रेडियोएक्टिव था, और जब स्ट्रोमा में ना देखा, स्ट्रोमा में कुछ प्रोडक्ट बने थे, वो प्रोडक्ट क्या थे, रेडियोएक्टिव थे, जबकि थाइलाकॉइड में जो भी कुछ था वो क्या था, नॉन रेडियोएक्टिव। तो इन्होंने कहा कि जो CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है वो कार्बन 14 है, तो CO2 ही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, और कहां बन रहा है, स्ट्रोमा में। ठीक है ना बाबू, याद रखेंगे, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। चलिए अब देखिए आगे, केल्विन आइडेंटिफाइड फर्स्ट प्रोडक्ट, इन्होंने देखा कि जो पहला प्रोडक्ट बनता था वो तीन कार्बन का था, 3PGA, क्या था बाबू, 3PGA, और कुछ साइंटिस्ट ने दूसरे पौधों में देखा, साइंटिस्ट ने कहा क्या सबके अंदर 3PGA बनता होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट ने देखा कुछ ऐसे पौधे थे जहां पे चार कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता था, क्या बनता था, चार कार्बन वाला, चार कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता था। ठीक है, कई साइंटिस्ट डिफरेंट प्लांट में चार कार्बन का ढूंढ लिया। तो अब हमने कहा कि पूरे धरती पे दो तरह के प्लांट हैं, एक वो जो जिसमें सबसे पहला बनता है तीन कार्बन का एसिड 3PGA, और एक वो जिसमें चार कार्बन का एसिड बनता है, चार कार्बन का OA बनता है। तो इस हिसाब से उन्होंने कहा कि दो तरह के पाथवे होते हैं, एक C3 पाथवे और एक C4 पाथवे, जहां पे तीन कार्बन का PGA बनेगा, पहला प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोल दिए C3 साइकिल, C3 पाथवे बोल दिए, और वो जहां पे उस प्लांट को C3 प्लांट ही बोल दिए, और जहां पे C4 होता था वहां पे बोल दिए, वहां पे जहां पे OA बनता था वहां बोल दिए C4 प्लांट। ठीक है, अब देखिए यहां पे प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर की बात छोड़ी, कि जैसे इन्होंने कहा, क्या ध्यान से देखना, इन्होंने कहा कि तीन कार्बन का PGA बन रहा है, कितने कार्बन का, तीन कार्बन का, कितने कार्बन इसमें, तीन कार्बन। ठीक है, और जो ग्लूकोज बन रहा है वो ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, छह कार्बन का होता है। तो इनके हिसाब से ध्यान से देखना, अब देखो पहले, अब ये तीन कार्बन, सॉरी ध्यान से देखना, ग्लूकोज कितना बन रहा है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, छह कार्बन, CO2 से ही ग्लूकोज बनता है, बात फिक्स थी। अब जो प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर CO2 एक्सेप्टर था, लोगों ने कहा कि अगर बाबू ग्लूकोज में ध्यान से देखो, अगर ग्लूकोज यहां पे देखना ध्यान से, ग्लूकोज नहीं, यहां पे वो ले लो PGA, पहला प्रोडक्ट क्या बना, 3PGA बना, ध्यान से देखना पहला प्रोडक्ट क्या बना, क्योंकि सबको पता है ग्लूकोज बनेगा वो तो फाइनल प्रोडक्ट है, पहला प्रोडक्ट क्या बना, 3PGA बना, 3PGA जो कि कितने कार्बन का था, तीन कार्बन का, सबको पता है कि ये किससे बना होगा, CO2 से। तो सबने कहा अगर CO2 में एक कार्बन है और प्रोडक्ट में तीन कार्बन, तो पक्का जो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, टू कार्बन का होगा। तो वही कह रहे हैं, फॉर मेनी ईयर साइंटिस्ट ट्राई टू फाइंड प्राइमरी एक्सेप्टर एज ऑफ दो कार्बन, ठीक है ना, तो क्योंकि दो कार्बन से CO2 जब मिलेगा तो भी ना तीन कार्बन का PGA बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था, पांच कार्बन का RUBP मिल गया, क्या मिल गया, पांच कार्बन का RUBP। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना, जो RUBP था यानी कि राइबुलोज 1,5-बिस फॉस्फेट, ये एक नाम है बाबू RUBP है, तो RUBP था, इसी को बोला गया प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C3 प्लांट, कौन से प्लांट में, C3 प्लांट में, तो CO2 में एक कार्बन, इसमें पांच कार्बन, तो प्रोडक्ट जो होना चाहिए था वो छह कार्बन का, ऐसा नहीं हुआ, दो मॉलिक्यूल बना किसका, 3PGA का, दो मॉलिक्यूल किसका बना, 3PGA का। तो यहां से एक बात समझ में आ गई पूरी पूरी ओवरऑल, कि जो C3 प्लांट होते हैं जहां पे C3 पाथवे सिर्फ चल रहा है, वहां पे जो प्रोडक्ट बना पहला वो है 3PGA, और जो वहां पे फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है वो है बाबू RUBP, जो कि पांच कार्बन वाला है। ठीक है, अब अगर हम C4 सबकी बात करें, तो देखो दोनों का जो कंपेरिजन सामने है आपके, यहां पे देखिए C3 साइकिल, इसको किसने डिस्कवर किया है, मेल्विन केल्विन ने। C4 साइकिल किसने डिस्कवर किया है, हैच एंड स्लैक ने। ओके, C4 फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 में कौन है, RUBP है,
और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में कौन है? पीजीए, ये भी देखा आपने, 3 कार्बन का है। और बाबू C3 के एग्जांपल कौन है? टोमेटो, टोमेटो, पपाया, जो हम लोग यहाँ मैक्सिमम जो पाए जाते हैं चीजें। बाबू हैच एंड स्लैक पाथवे यानी C4 साइकिल का जो पहला CO2 एक्सेप्टेड था वो था PEP फॉस्फोइनल पाइरवेट, जो कि 3 कार्बन का था। और जो यहाँ पे बाबू फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना कितने का था? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का। यहाँ पे मेज दिखा, सुगर केन दिखा, सुगर सोरगम यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ज्यादा गर्मी पसंद है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में सह सकते हैं, वो C4 प्लांट में आते हैं। अब हम देखेंगे C3 साइकिल क्या होता है। तो बाबू सबसे पहली बात, C3 साइकिल सिर्फ C3 प्लांट नहीं होता है, C4 प्लांट में भी होता है, याद रखना इस बात को। C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल हर एक प्लांट में चलेगी, हर एक प्लांट में चलेगी बाबू, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो। यानी कि अगर जिस प्लांट में C4 साइकिल चल रही है उसमें तो पक्का C3 चलेगा, और जिसमें सिर्फ C3 उसकी बात ही अलग है। तो C3 साइकिल जो है वो C4 प्लांट में भी चलेगा, C3 प्लांट में भी चलेगा, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ PGA बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ PGA बन रहा है, उसको C3 प्लांट कहेंगे, और जिसमें पहला OA बन रहा है उसको C4 कहेंगे, लेकिन वहां पे भी बाद में भी C3 साइकिल चलेगी। तो याद रखना इट इज यूनिवर्सल साइकिल। क्या है ये? एक यूनिवर्सल साइकिल है, याद रखना। ये क्या है बाबू? यूनिवर्सल साइकिल, देखो लिखा होगा, यूनिवर्सल साइकिल अकर्स इन ऑल ग्रीन प्लांट। इट इज अ साइकिल ऑफ केमिकल रिएक्शंस वेयर द कार्बन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स इनटू सुगर। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम सुगर में फिक्स करते हैं। चलिए 3 स्टेप्स होते हैं, क्या क्या है देखिए बाबू। ये देखिए, ये है आपका RUBB जिसमें 5 कार्बन है। कितने कार्बन है बाबू? 5 कार्बन। अब ध्यान से देखना बाबू, एटमोस्फियर से लिया गया CO2, क्या लिया गया? CO2, जिसमें 1 कार्बन है। अब CO2 लिया गया और 5 कार्बन एक्सेप्टेड था आपका, मैंने कहा ना कि जो C3 प्लांट है उसमें CO2 एक्सेप्टेड प्राइमरी कौन होता है? RUBB 5 कार्बन का, ठीक है। कितने कार्बन का? 5 कार्बन का, ठीक। अब देखिए एटमॉस्फेरिक CO2 लिया गया और इससे रिएक्शन हुआ दोनों का, तो जो भी प्रोडक्ट बना 6 कार्बन का बना। क्या बना? 6 कार्बन का, जिसमें 5 कार्बन जो है आपका RUBB का था और 1 कार्बन किसका था बाबू? एटमॉस्फेरिक CO2 का। तो ये अनस्टेबल प्रोडक्ट था, ठीक है। स्टेबल कैसे हुआ? अब बाबू ये जो है कन्वर्ट हो गया, दो मतलब ये दो पार्ट में टूट गया, 3 कार्बन 3 कार्बन अलग अलग। इसको बोला गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, यानी कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGA। और इस रिएक्शन को बोला गया फर्स्ट स्टेप यानी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला गया? कार्बोक्सिलेशन, यानी कि बाबू यहां पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, CO2 एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है, RUBB से रिएक्ट कराया जा रहा है, और यहां पे 3 PGA बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल, और इसीलिए कहा गया इसको कार्बोक्सिलेशन। और बाबू यहां पे एंजाइम यूज होता है रूबिस्को, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को, ओके। अब देखिए ये बाबू एसिड है, ये क्या है? एसिड। एसिड से हम बनाने वाले हैं एल्डिहाइड। पहले क्या बनाएंगे बाबू? एसिड से एल्डिहाइड, और एसिड से एल्डिहाइड बनाना कहलाता है रिडक्शन। तो हमारा दूसरा स्टेप होता है बाबू क्या? रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या होता है? रिडक्शन। आपको पता है ग्लूकोज में क्या होता है? ग्लूकोज में बाबू एल्डिहाइड होता है, ये क्या है? एसिड। तो एसिड से हम क्या बना रहे हैं? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड बनाएंगे तो इसे बोलेंगे स्टेप को रिडक्शन बोलेंगे। और यहाँ पे बाबू 2 ATP और 2 NADPH खर्च होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कार्बोक्सिलेशन में कुछ खर्च नहीं हुआ, लेकिन बाबू रिडक्शन वाले प्रोसेस में 2 ATP खर्च हुआ और 2 NADPH खर्च हुआ, ठीक है। कितना खर्च हुआ? 2 ATP और 2 NADPH। और क्या बन गया आपका? यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल पहले बना होगा ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि ऐसा बाबू सुगर, ऐसा सुगर जिसमें 3 कार्बन है, बाद में क्या बना दिया? ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो ये है ट्रायोज फॉस्फेट, 3 कार्बन का सुगर, तो 2 मॉलिक्यूल बना था, तो ये बाद में ग्लूकोज बन गया। तो ये था रिडक्शन। अब बाबू चाहते हो कि फिर ये साइकिल चलती रहे, तो हमको RUBP को रीजनरेट करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीजनरेट। और रीजनरेट करवाने के लिए तीसरा स्टेप चलेगा, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं तीसरा स्टेप को? और रीजनरेट कराने के लिए बाबू हमको चाहिए 1 ATP। क्या चाहिए? 1 ATP। तो कुल मिला के हम कहेंगे एक साइकिल के लिए, ध्यान से देखना, एक साइकिल के लिए 3 ATP लगी। कितनी ATP लगी? 3 ATP और 2 NADPH, 2 NADPH लगा एक साइकिल के लिए। अब देखिए एक ग्लूकोज के लिए कितनी साइकिल चलानी पड़ेगी? एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, तो यानी 6 CO2 चाहिए। तो ये तो एक CO2 के लिए था, तो 6 CO2 के लिए 18 ATP, यानी कि अगर चाहते हैं कि एक ग्लूकोज बने तो 18 ATP चाहिए, और साथ में 12 NADPH चाहिए। ये चाहिए आपको, तब जाके क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो पहला क्या रिएक्शन था? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा क्या था स्टेप? दूसरा क्या था बाबू? रिडक्शन। तीसरा क्या था? रिजनरेशन। तो ये चला, अब सुगर बन गया। तो ये है, कहां हो रहा है? मेसोफिल सेल में हो रहा है, और ये बाबू C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल, ठीक। ये सब मैंने लिखा है इसमें, क्रूशियल स्टेप है ये सब। वैसे अब देखो ATP NADPH, तो मैंने कहा एक ग्लूकोज में, देखो ध्यान से फिर से देखो सब लोग, एक ग्लूकोज को, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6, यानी 6 कार्बन का है, तो कितने CO2 चाहिए? 6 CO2। एक साइकिल यानी कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए था? 3 ATP। इसमें से 2 कहां से आया था? रिडक्शन। 2 तो रिडक्शन में लग गया था, और प्लस 1 ATP कहां लगा है बाबू? रीजनरेशन में। 3 ATP ओवरऑल एक साइकिल में।
छह साइकिल चलाना पड़ेगा तब छह सीओ टू ले आएंगे, तो 18 एटीपी लगता है और एनएडीपीएच 12 लगता है। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखा है जो सब समझ नहीं आता लोगों को, लिखा है कि 18 एटीपी लग रहा है और बाबू 12 एनएडीपीएच लग रहा है, ठीक है, एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक ग्लूकोज बनाने की इतनी एनर्जी लग रही है, इसीलिए कह रहा है कि इसीलिए हमको साइक्लिक करवानी पड़ती है, साइक्लिक फोर्ट, क्योंकि साइक्लिक में सिर्फ क्या बनता है एटीपी। तो कह रहा है कि इसमें डिफरेंस है, छह का डिफरेंस है, ये ज्यादा लग रहा है ये कम लग रहा है, इसीलिए कह रहा है कि प्रोबेबली टू कंप्लीट टू क्या लिखा है टू की प्रोबेबली टू मीन्स हाँ टू मीट दिस डिफरेंसेस, टू मीट दिस डिफरेंसेस यानी डिफरेंस है उसको उसको पूरा करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बनता है क्योंकि इसमें एटीपी ज्यादा लग रहा है, ठीक है, याद रखना इसमें। अब देखिए रूबिस्को, बाबू रूबिस्को पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा एंजाइम नहीं, सबसे एंजाइम नहीं, सबसे ज्यादा प्रोटीन, सबसे अबंडेंट प्रोटीन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन पूरे धरती पे कौन है, रूबिस्को। रूबिस्को फुल फॉर्म क्या है बाबू, रूफ, और ये हो गया आपका रेबुलोज, बिस माने बिस फॉस्फेट, ठीक है ना। और देखो बाबू सीओ मतलब सी फॉर है कार्बोक्सिलेज और ओ फॉर है ऑक्सीजनेज, क्योंकि बाबू ये आरयूबीपी से सीओ टू को भी जुड़वा सकता है, आरयूबीपी को ऑक्सीजन से भी जुड़वा सकता है। अब देखें मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन बायोस्फीयर, फैसिलिटेट बोथ ऑक्सीजनेशन भी करवाएगा और कार्बोक्सिलेशन भी करवाएगा। अब कब कार्बोजिलेशन करवाएगा, कब ऑक्सीजेशन, ये क्वेश्चन बनता है। अगर बाबू सेल में, बाबू अगर किसी के सेल के अंदर CO2 कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेम है तो ये कार्बोजिलेशन करवाएगा, क्या करवाएगा, कार्बोजिलेशन, जो हमें चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा भी O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजनेशन करवाएगा, याद रखना, इसलिए लिखा है मैंने, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एट सेम कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2 इट्स एफिनिटी विल बी मोर फॉर CO2, ठीक है ना। लेकिन अगर O2 ज्यादा हो गया तो क्या करवाएगा, ऑक्सीजनेशन, ठीक है। अब ऑक्सीजनेशन यहीं पे है तो हम पढ़ लेते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्या पढ़ लेते हैं बाबू, फोटो रेस्पिरेशन, ध्यान सुनिएगा, फोटो रेस्पिरेशन को हम कहते हैं C2 साइकिल, क्योंकि यहां पे दो कार्बन का एक कंपाउंड बनता है, वेस्ट कंपाउंड बनता है। देखिए ध्यान सुनिए, हाँ मैंने कहा रूबिस्को के पास अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा, लेकिन हमको पता है आरयूबीपी में जब CO2 जुड़ेगा तभी छह कार्बन होंगे और तभी आगे चल के सुगर बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, नहीं तो अगर बाबू नहीं जुड़ेगा तो पांच ही कार्बन से तो दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ प्लांट होते हैं, जैसे कुछ प्लांट जैसे C3 प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बाबू, देखो C3 प्लांट में क्या होता है ना, C3 और C4 दो तरह के प्लांट होते हैं, C4 अच्छा होता है बहुत, C3 थोड़ा गंदा होता है, क्यों होता है सुनिए, C3 प्लांट जो होता है बाबू वो उसके अंदर CO2 की कमी रहती है हमेशा, इंटरनल CO2 अंदर CO2 की हमेशा कमी रहती है, क्यों अभी आगे चल के पता चलेगा। और उस CO2 की कमी पूरा करने के लिए वो बार बार स्टोमेटा को ओपन करता है, क्या करता है बार बार ओपन करता है, और स्टोमेटा को ओपन करता है तो बाबू ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है जबकि CO2 कितना होता है 0.03% है, तो कौन ज्यादा आएगा, तो अंदर O2 ज्यादा आ जाता है, CO2 भी आता है लेकिन O2 ज्यादा आता है, जिसकी वजह से कई कई जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और बाबू कई जगहों पर फोटोसिंथेसिस की जगह पे क्या होता है, देखो फोटो रेस्पिरेशन होता है, मींस बाबू देखो जनरली क्या होता है, देखो बाबू जनरली क्या होता है, आरयूबीपी के साथ CO2 क्या करता है, बाइंड करता है, जनरली आरयूबीपी के साथ CO2 बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को। अगर CO2 बाइंड करा तो हम रूबिस्को क्या कहेंगे, हम कहेंगे राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन करा रहा है, लेकिन ठीक है तब क्या बनता था, दो मॉलिक्यूल बनता था 3PGA का, लेकिन अगर C3 प्लांट है, लेकिन अगर क्या है बाबू, लेकिन अगर C3 प्लांट है, अगर C3 प्लांट है तो बाबू क्या होगा, आरयूबीपी, कौन बीपी, आरयूबीपी के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब C3 प्लांट में समटाइम्स नॉट ऑलवेज कह सकते हैं ना, समटाइम्स जब वहां पे O2 कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो अब रूबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्टिविटी करेगा और बाबू अब दो मॉलिक्यूल PGA नहीं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल PGA का बनेगा, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, यही बनता है, याद रखना, एक मॉलिक्यूल PGA का बना, बचा दो कार्बन का बन जाएगा एक बाबू वेस्ट कंपाउंड, इसको बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और यही फॉस्फोग्लाइकोलेट बाबू आगे चल के एक कंपाउंड बनाता है, एक सेरीन बनाएगा बाबू और बनाएगा CO2, क्या बनाएगा, CO2। तो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में CO2 लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन में O2 लेता है CO2 छोड़ता है, उल्टा हो गया ना, इसीलिए वेस्ट प्रोसेस कहते हैं। बाबू हमको क्या चाहिए, O2 चाहिए, ये क्या दे रहा है, CO2, और नहीं तो O2 खर्च कर दे रहा है तो CO2 निकल रहा है, CO2 बाबू डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा नहीं है कि निकल रहा है, लेकिन देखो यहां मतलब ये प्रूफ नहीं दिया है तो हम दे रहे हैं, जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना बाद में टूट जाता है एक सेरीन में और CO2 में, ठीक है, CO2 निकलता है फोटो रेस्पिरेशन में। अब देखिए तो एक वेस्टफुल, ये हम कहते हैं वेस्ट प्रोसेस, क्यों, क्योंकि नो NADPH
एनएडीपी फॉर्म, कोई एनएडीपीएच और एटीपी नहीं बन रहा है, कोई शुगर नहीं बन रहा है, और नहीं तो एटीपी खर्च हो रही है, और नहीं तो CO2 फिक्स नहीं हो रहा है, और नहीं तो CO2 निकल जा रहा है, और नहीं तो बाबू कहां, ठीक है ना। तो C3 प्लांट में होता है लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता है। अब बात आती है C4 प्लांट में क्यों नहीं होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका क्या बाबू, फोटो रेस्पिरेशन। जिसको नहीं समझ में आया होगा फिर से देख लेना, अच्छे से देखना उसको, और जरूर कमेंट करना, कमेंट सब लोग करेंगे, कोई अगर कमेंट नहीं किया तो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ लिखा मैंने C3 प्लांट अगेन एंड अगेन स्टोमेटा ओपन टू टेक CO2 बट H2O लॉस, H2O भी लॉस हो जाता है। इसीलिए अब देखो यहाँ पे एक बात, जब बार बार ओपन करेगा स्टोमेटा CO2 लेने के लिए तो बाबू H2O लॉस होगा, और जब H2O लॉस होगा तो हम कहेंगे कि वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी, और टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर सह नहीं पाएगा, क्योंकि पानी जिसके पास नहीं है वो टेम्परेचर कैसे सह पाएगा, ठीक है। C4 प्लांट में क्या होगा, अब मैकेनिज्म चलता है अभी देखेंगे बर्नर सेल में, जहां पे CO2 कंसेंट्रेशन अपने आप इंक्रीज होता रहता है, इसीलिए इसको कैसा फंक्शन करता है, CO2 की तरह साथ फंक्शन करता है, तो C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो लिखा मैंने C4 प्लांट लैक फोटो रेस्पिरेशन। C4 जो है बार बार नहीं खोलना है, यानी खोलता है स्टोमेटा, तो नो वाटर लॉस, सो टॉलरेंस टू, इसीलिए C4 प्लांट ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है क्योंकि वाटर लॉस नहीं होता है। दिस प्रोसेस कंप्लीटेड इन 3 सेल ऑर्गेनल्स, तो बाबू तीन सेल ऑर्गेनल इसके रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस पूरा करने के लिए। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है पेरोक्सिसोम, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो याद रखना कि फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनल्स पार्ट लेते हैं। C4 में नो फोटो रेस्पिरेशन, क्यों, दे हैव अ मैकेनिज्म जो इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन का CO2 का एंजाइम साइट पे। अभी हम पढ़ेंगे कि C4 कंपाउंड जो होता है मैलिक एसिड OA जो होता है बाबू, वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, साथ में निकलता है CO2, बंडल शीथ में होता है ये सब, और वहां पे सीधी साइकिल फिर से चलती है, ठीक। अब देखेंगे हम C4 पाथवे, जो कहते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, हैच एंड स्लैक पाथवे। तो हैच एंड स्लैक जी थे, इन दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया इसको। तो ये सिर्फ उन प्लांट में होगा जिसमें पहला प्रोडक्ट बन रहा है OAA। चलो अब इसमें क्या है, इसमें अब वो 2 सेल्स लगेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था C3 में उसमें 1 सेल लगा था मेसोफिल सेल, यहाँ पे 2 सेल आएंगे, मेसोफिल और बंडल शीथ सेल। तो लिखा है व्हेन CO2 फिक्सेशन अकर्स विद इन द विद द हेल्प ऑफ 2 सेल्स, दैट इज मेसोफिल सेल एंड बंडल शीथ सेल, तो हम कहते हैं C4 पाथवे। इन C4 प्लांट बोथ पाथवे अकर्स, याद रखो C4 प्लांट में दोनों पाथवे होगा, C4 भी होगा और C3 भी होगा। बाबू यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं क्रैंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, ध्यान समझना, फिर से सुनना सब लोग। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी प्रेजेंट होती है ताकि गैसेस का लॉस कम किया सके। जो गैस बम मैंने कहा ना CO2 बन रहा है तो उसको अंदर रहने दो ना, तो हमको बाहर से बार बार स्टोमेटा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि C3 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे उसी को बढ़ावा देने के लिए C4 प्लांट को थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और इसमें बाबू क्रैंज एनाटॉमी बनाई गई। क्या बनाई गई, क्रैंज। ये क्या होता है बाबू, ध्यान सुनना, क्रैंज का मतलब होता है रेत। क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से, क्रैंज का मतलब क्या होता है, रेत। देखो ध्यान से, क्रैंज का मतलब होता है रेत, या तो हम कहें अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेल। तो डिफरेंट सेल मतलब 2 सेल है, मेसोफिल और बंडल शीथ। तो बाबू बीच में होता है आपका वैस्कुलर बंडल, और इसके अराउंड ध्यान से देखना बाबू, कहीं के लिखे होंगे हम, यस कहाँ लिखा मैंने, लिखा, चलो बाबू बीच में होता है वेस्ट, कहाँ लिखा है ना, सेवलर बंडल सीथ सेल। तो बाबू ये होता है आपका वेस्टर्ड बंडल, इसके अराउंड बंडल सीथ सेल प्रेजेंट होते, कई लेयर, कई सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं, कई लेयर, देख रहे हो ना, बंडल सीथ सेल के कई लेयर प्रेजेंट होते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्रैंज, मतलब इसका नाम दे दिया हम, रेथ का मतलब होता है अरेंजमेंट और रेथ का एक और नाम होता है क्रैंज, इसीलिए नाम दे दिया क्रैंज एनाटॉमी। तो क्रैंज एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि बंडल सीथ सेल प्रेजेंट अराउंड, इसी को टिक करना कि बंडल सीथ सेल, अरेंजमेंट ऑफ बंडल सीथ सेल अराउंड वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो होता क्या है इसमें बाबू, जो बंडल सीथ सेल्स होते हैं इनमें जो वॉल होगा बहुत थिक होगा, जब थिक वॉल होगा तो गैस अंदर से बाहर जाएगा नहीं, तो इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, तो गैस लॉस नहीं होगा। नो इंटरसेलुलर स्पेस, मान लो एक सेल है, दूसरा सेल, तीसरा, सब आपस में जुड़े होते हैं, जब स्पेस नहीं होगा तो गैस वहां आके इकट्ठा नहीं होगा, तो सारे गैस यूज हो जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये होता है बाबू आपको बंडल सीथ सेल, ठीक है। अब देखिए ये आपका साइकिल है C4 साइकिल, ध्यान से देखें सब लोग को दिक्कत हो रही थी, मतलब भूल जाते हैं ना लोग, सिर्फ टेस्ट वाला पढ़ते हैं। बाबू यहाँ पे ऊपर की तरफ है मेसोफिल सेल और नीचे की तरफ है, ध्यान से देखना, इसमें एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखेंगे इसको। बाबू ऊपर मेसोफिल सेल है और दूसरा क्या है आपका बंडल सीथ सेल, तो क्वेश्चन का ये बनता है कि इन दोनों सेल में कहाँ लाइट रिएक्शन होता है, कहाँ डार्क, ठीक है ना। है तो पूरा डार्क रिएक्शन, लेकिन हम कंपेरेटिवली बात करें तो बाबू ये जो आपका मेसोफिल सेल है ये ऊपर की सुपरफिशियली पाया जाता है, और यहाँ पे यही क्लोरोप्लास्ट यूज करते हैं, यहीं पे लाइट को ट्रैप किया जाता है। तो लाइट रिएक्शन अगर पूछे स्पेसिफिकली ना, तो मेसोफिल सेल, और डार्क पूछे तो किसको मारना, बंडल सीथ सेल, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे भी स्टेप्स होंगे। सबसे पहले CO2 ऊपर कौन है, मेसोफिल सेल, अंदर कौन है, नीचे कौन है, बर्नर्सिल सेल। इसमें भी दो लेयर दिखा रहे हैं जो बाबू, एक है आपका कहाँ गया, ये सेल वाल है बाहर वाला, और अंदर वाला क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है, जैसे दो सेल आपस में क्या है, कनेक्टेड है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप, एटमोस्फियर से CO2 लिया जाएगा और अंदर पानी होगा सेल में, तो ये कन्वर्ट होगा HCO3 और HCO3 बाइकार्बन आयन में, ठीक है ना। इस स्टेप को बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, क्या बोलेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ठीक है, कार्बन कार्बोक्सिलेशन। अब बाबू यहाँ पे एक कार्बन है इसके पास, बाबू हमने कहा था जो C4 प्लांट होंगे, C4 पाथवे होंगे, उसमें फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन होगा, फॉस्फोइनाल पाइरूवेट PEP, जैसे C3 में कौन होता था, RUBP। अब इसको ले लिया, जब इसको ले लिया तो अब बाबू होगा दूसरा स्टेप, इसको बोलते हैं फिक्सेशन, यानी कि बनेगा OAA, क्या बनेगा, चार कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है, बन गया चार कार्बन, क्या बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिक्सेशन हो गया। अब बाबू OAA को हमको ले आना है बंडल शीथ में, लेकिन इसके लिए परमेबिलिटी सेल के पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट कर देंगे मैलिक एसिड में, या तो कन्वर्ट कर देंगे एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक एसिड में या तो एस्पार्टिक एसिड में। अब ये एस्पार्टिक एसिड मैलिक एसिड को हम लेके आएंगे कहां पे, यहां पे, ये भी चार कार्बन का होगा, मैलिक एसिड आ गया। अब फिर मैलिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देंगे ओए में, ठीक है, ओए हम आगे ले आ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बंडल शीथ सेल में एक चौथा स्टेप, ये तीसरा स्टेप था जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, यानी मैलिक एसिड को यहाँ ले आना, ट्रांसपोर्ट हो गया। चौथा स्टेप होता है डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि चार कार्बन का जो एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा तीन कार्बन के एसिड में, और साथ में एक बाबू डीकार्बोनाइजेशन, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ सेल में केल्विन साइकिल चलवाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, जो केल्विन साइकिल है, जो C3 साइकिल है, वो C3 प्लांट में कहां चलता है, मेसोफिल सेल में, और C4 प्लांट में कहां चलता है, बंडल शीथ सेल में। तो यहां पे बाबू अपना शुगर बन गया, तो इसीलिए कह रहे हैं डार्क रिएक्शन एक्चुअल में कहां हो रहा है, बंडल शीथ सेल में शुगर बन गया। अब यहां पे तीन कार्बन का पाइरूविक एसिड रिलीज हुआ है, अब इसका फिर ट्रांसपोर्ट कहां करेंगे, ले जाएंगे ऊपर, यानी ऊपर कहां, मेसोफिल सेल में, इसे फिर बोलेंगे पांचवा स्टेप ट्रांसपोर्ट। अब पाइरूविक एसिड बाबू कुछ करेगा नहीं, पाइरूविक एसिड को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा पीईपी में, ताकि फिर से साइकिल चलती रहे, और बाबू पाइरूविक एसिड को हम फिर से रीजनरेट करेंगे, तो पांच हमारा छठवां आ गया स्टेप जिसको बोलते हैं रीजनरेशन, और यहां पे दो एटीपी खर्च होगी, कितने एटीपी खर्च होगी, दो एटीपी, ठीक है। अब याद ये रखना है बाबू कि यहां पे पीईपी है, पीपी को बाबू जुड़वाना है CO2 से, तो यहाँ पे आपका बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, पेपकेज, कौन सा एंजाइम होगा बाबू, पेपकेज एंजाइम होगा। और बाबू यहाँ पे C3 साइकिल चल रहा है, तो पीछे भी C3 चल रहा है, तो वहां पर रूबिस्को था, तो C3 साइकिल कहाँ चल रहा है, बंडल शीथ में, तो बंडल शीथ सेल में कौन सा एंजाइम होगा बाबू, रूबिस्को, कौन होगा, रूबिस्को। अब देखो कहते हैं कि मेसोफिल सेल, यानी कि C4 प्लांट में जो मेसोफिल सेल होगा उसमें पेपकेज होगा, रूबिस्को नहीं, और जो आपका जो बंडल शीथ सेल होगा उसमें रूबिस्को होगा लेकिन पेपकेज नहीं, ठीक है, याद रखना। ओके, ये हो गया पूरा का पूरा, कार्बोजिलेशन, फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल एकदम। बाबू देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मेसोफिल सेल में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, मेसोफिल सेल में परवियस यानी परमिशन होता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए, यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये इम्परवियस होता है बाबू। यहाँ पेपकेज तो होगा मेसोफिल सेल में, लेकिन और यहाँ पीईपी भी होगा, यहाँ ओए यही बनेगा, मैलिक एसिड यही बनेगा, उसको हम फिर ले जाएंगे कहाँ पे, तो ओए डिसोसिएट कहाँ होगा, बंडल शीथ में, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगा कहाँ, बंडल शीथ में, ठीक है ना। यही कहते हैं कि रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ बंडल शीथ सेल में CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, और इसी को हम यूज कर लेते हैं C3 साइकिल में, तो बार बार स्टोमेटा इसके लिए ओपन नहीं करना पड़ रहा है। चलिए ये हो गया। अब देखिए एक CO2 फिक्सेशन अगर C4 प्लांट में करते हैं, देखो बाबू C4 प्लांट में हम करते हैं, तो C3 साइकिल में कितना लग रहा था, तीन ATP और दो NADPH। अब देखा हमने कि यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा स्टेप था रीजनरेशन, जिसमें PP को रीजनरेट करते थे, वहां पे दो ATP और लग गया, तो यहाँ पे नीचे बंडल शीथ में C3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे C4 साइकिल जो बंडल शीथ में हो रहा है कुल मिला के पांच ATP खर्च किया और दो NADPH एक CO2 के लिए, तो छह CO2 के लिए कितना किया, एक ग्लूकोज के लिए छह CO2, छह पचे तीस, और बाबू NADPH तो उतना रहेगा बारह, तो हम कहेंगे तीस ATP और बारह NADPH से एक ग्लूकोज बनेगा C4 प्लांट में। ओके ये तो हो गया, अब बता दिया हमने फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करते हैं। तो बाबू देखो फोटोसिंथेसिस जिस चीजों पे डिपेंड करता है वो दो फैक्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर, एक है इंटरनल फैक्टर। अब ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन है सब, इंटरनल फैक्टर को हम बोलते हैं प्लांट फैक्टर, क्या बोलते हैं, प्लांट फैक्टर। ओके देखना, जो क्लोरोफिल से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल में सनलाइट आएगा, टेम्परेचर, CO2 कंसंट्रेशन, वाटर, ये सब देखेंगे भी। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट बनेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल, यानी कि जो ऑप्टिमम से कम रहेगा, ऑप्टिमम से कम, सब ऑप्टिमम
जो कम रहेगा, जिसका मतलब जो लिमिट मात्रा में रहेगा, कम रहेगा, जो कम मतलब कि मैक ऑप्टिमम, मतलब जैसे कि देखो ये ऑप्टिमम है, ये ऑप्टिमम है, मतलब कि ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऑप्टिमम जिस पे एकदम रेट हाई रहता है। तो ऑप्टिमम लेवल यानी कि कोई भी सब्सटेंस का ऑप्टिमम लेवल मतलब कि जिस पे रेट हाई रहे, उससे अगर कम हो गया वो, तो वही बाबू लिमिटिंग फैक्टर होगा, यानी कि वही डिसाइड करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वही मैंने लिखा है। अब देखो इंटरनल फैक्टर क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर या तो कहें हम इसको प्लांट फैक्टर नाम दिया गया है। तो बाबू ये एज, साइज, नंबर ऑफ लीफ, नंबर ऑफ मेजोफिल सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट्स ओरिएंटेशन, ठीक है ना, ये सब आते हैं किसमें, प्लांट फैक्टर में। इंटरनल सीओ टू कंसेंट्रेशन, अगर ये पूछ दे सिर्फ सीओ टू कंसेंट्रेशन तो हम मारेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, लेकिन अगर इंटरनल लिख दिया तो हम कहेंगे क्या, ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक। अब इंटरनल फैक्टर किस पे डिपेंड करते हैं, दो चीजों पे, पहला है जेनेटिक सेटअप, एनसीईआरटी की लाइन है, और दूसरा है ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि जेनेटिक सेटअप मतलब ऑलरेडी फिक्स्ड, कुछ चीजें ऑलरेडी क्या होती हैं, फिक्स्ड, तो उसे जेनेटिक कहेंगे। और बाबू जो प्लांट कहाँ ग्रो कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, इस पे तो याद रखना कि इंटरनल फैक्टर्स भी दो चीजों पे डिपेंड करती हैं, पहला जेनेटिक होता है और दूसरा ग्रोथ ऑफ द प्लांट, याद रखेंगे। अब आता है बाबू ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, क्या था, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, तीन चार यानी कि एक केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जिसको कंट्रोल ज्यादा फैक्टर्स कर रहे हैं, एक से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनमें से वो फैक्टर जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसी को, वही जो है फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं, मतलब कोई रिएक्शन होगा कि नहीं, उसको डिसाइड करेगा। देखो व्हेन मोर देन वन फैक्टर अफेक्टेड अफेक्ट ऑफ केमिकल प्रोसेस, देन इट्स रेट विल बी डिपेंड ऑन द दैट फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन द मिनिमम अमाउंट। याद रखेंगे जैसे मान लो चार दोस्त हो, एग्जाम्पल दिया था क्लास में मैंने, चार दोस्त है, चारों दोस्त कहीं गए घूमने और बाबू थक गए उसमें से कुछ लोग, एक लोग थक गए मान लो, तो उधर से क्या तीन लोग वापस आ जाएंगे, भले तीन लोग दौड़ रहे हो खूब तेज, आप लोग किसके साथ आओगे, उस भले वो धीरे धीरे चल रहा है उसके साथ आओगे, तो पूरे टीम का जो जो रेट है किस पे डिपेंड कर गया, जो कम मात्रा में है, जो एकदम लो है, जो एनर्जी लो है, लिमिटिंग फैक्टर, इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बाबू, लिमिटिंग। जैसे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ देखा है मैंने, चारों एक्सटर्नल फैक्टर में से कोई एक फैक्टर कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, याद रखना इसको। पहला जो फैक्टर है लाइट, ध्यान से देखना, देखना वो गोल्ड वालों, जो गोल्ड संजीवनी बैच वालों, मैंने उसमें पढ़ाया था, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज गलत लिख लिया है, शायद मेरे मुंह से निकल गया मे भी, लेकिन कुछ लोगों ने सही भी लिखा है, मैंने कहा था, देखो अब चलो पढ़ाते हैं बताते हैं, यहाँ पे सही कर लेना सब लोग, कॉपी लेके बैठना। लाइट, लाइट, लाइट मतलब पहला है, पहला एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, लाइट, लाइट में लाइट क्वालिटी देखेंगे, लाइट की इंटेंसिटी देखेंगे और ड्यूरेशन ऑफ लाइट देखेंगे। चलिए बाबू लाइट जो होता है, लाइट, लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, लेकिन एक समय बाद लाइट जब खूब ज्यादा मिल गई उसके बाद ये सेचुरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेचुरेट। तो लाइट इंटेंसिटी मान लो अभी यहीं पे है, देखो ध्यान से, मान लो अभी सुबह हुआ है, लाइट पड़ रही है, तो थोड़ा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लाइट और बड़ी 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 बड़ी, तो यहाँ पे जो पूरा यहाँ से यहाँ है ना, इसको बोलेंगे लाइट इज लिमिटिंग, तो यही सही कर लेना, ठीक है ना। मैंने ये बोला था इसके बाद से लाइट लिमिटिंग नहीं रहेगी, अब यहां तक ए तक पूरा क्या रहेगा, लाइट, लाइट, लाइट इज लिमिटिंग, यानी कि पूरे ए में लाइट क्या रहेगी, अभी लिखा है मैंने आगे अच्छे से, लाइट इज क्या रहेगी, लिमिटिंग। अब देखो यहां पे अब होता क्या है, एनसीईआरटी लिखता है लाइट लिमिटिंग नहीं होता है, बहुत कम होता है, क्यों, क्योंकि लाइट जो है ना 10% लाइट में पूरा फोटोसिंथेसिस हो जाता है, तो बहुत ऐसे कम केसेस देखने को मिले जहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर रहा हो, ठीक है। तो पूरा ए जो है यहाँ पे लाइट लिमिटिंग नहीं हो सकता। अब देखो जैसे जैसे ये बी क्या बता रहा है, बी कह रहा है कि अब लाइट सेचुरेट हो रहा है, हुआ नहीं, हो रहा है, तो बी बता रहा है लाइट इज बिकमिंग सेचुरेटेड, है ना, मतलब फोटोसिंथेटिक जो है, फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सेचुरेशन पे पहुंच रहा है, कॉन्स्टेंट होने वाला है, और यहाँ बताएगा कॉन्स्टेंट हो चुका है। और ये बाबू ये एक्स एक्सिस पे है, तो डी वाला पॉइंट बताएगा कि यहाँ पे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी, इससे ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की नहीं चाहिए, अगर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में उन्हें तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ओके। और बाबू ई बता रहा है कि इसी लाइट इंटेंसिटी पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, ये हो गया आपका ये ग्राफ। अब देखिए आगे लिखा है मैंने, अच्छा इसमें नहीं लिखा है क्या, अच्छा यहाँ लिखा है, ए क्या बता रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे लिख लेना सब लोग, जो लोग पहले पे लिख रहे हो कि लाइट इज नॉट लिमिटिंग हियर, लाइट इज नॉट लिमिटिंग हियर, सॉरी लाइट इज लिमिटिंग हियर, सॉरी यही तो लिखवा देता हूँ, कुछ और सोचने लगता हूँ, लाइट इज लिमिटिंग हियर, क्योंकि यहाँ पे लाइट बढ़ाने से वो बढ़ रहा है तो लिमिटिंग है। अब बी वाले पोर्शन पे लाइट बिकमिंग सैचुरेटेड, सी वाला पोर्शन फोटोसिंथेसिस रेट बिकम कांस्टेंट, नाउ लाइट इंटेंसिटी इज नॉट लिमिटिंग, और जो अदर फैक्टर है वो लिमिटिंग हो सकते हैं, डी मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी,
ई मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहे लाइट सैचुरेशन अकर्स एट 10% पे ही हो जाता है, इसीलिए लाइट इज रेयरली ए लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना। कहाँ लिमिटिंग है? शेड, ऐसा प्लांट जो शेड छाए में है या तो डेंस फॉरेस्ट में है, ठीक है। मोर इंटेंसिटी दोगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोरोफिल का हो जाएगा, फोटोऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये समझने वाला जो बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड समझना सब लोग। कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन हमारे जो बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसेंट्रेशन है हमारे एटमोस्फेयर में वो कितना है, वो क्या है, वो कितना है, देखो वो है 0.03 से लेकर के 0.04% है। तो इसको अगर माइक्रो लीटर पर लीटर में कन्वर्ट करें तो 380 माइक्रो लीटर पर लीटर है, ध्यान समझना इसको। हमारे करंट सिचुएशन जो सिनेरियो है CO2 का हमारे एटमॉस्फेयर में वो कितना है बाबू, 380 माइक्रो लीटर पर लीटर, यानी कि 0.03 से 0.04%, ठीक। अब देखो क्या है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं मेजर लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है हमारे, ठीक। अब एक बात समझना, C4 प्लांट जो होता है उसको ज्यादा CO2 नहीं चाहिए, आपको पता है। उसका सेचुरेशन कब आ जाता है, 360 माइक्रो लीटर पर लीटर ही चाहिए बाहर से, इतने में ही वो पूरा खुश हो जाएगा। लेकिन C3 प्लांट को खुश करना है तो उसको चाहिए 450 माइक्रो लीटर पर लीटर, ध्यान से ना। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि इस समय कितना है CO2 कंसेंट्रेशन एटमोस्फियर में, 380 माइक्रो लीटर पर लीटर, कितना है, 380 माइक्रो लीटर पर लीटर। तो बताओ किसके लिए लिमिटिंग है, इसको चाहिए कितना, C4 को 360 चाहिए, है कितना, 380, पैसा कितना है, 380, कितना चाहिए, 360, ये खुश, इसके लिए लिमिटिंग नहीं है बाबू। इसको 400, C3 प्लांट को 450 चाहिए, 450 पे सैचुरेशन आएगा, लेकिन कितना मिल रहा है बेचारे को, 380, तो इसके लिए है लिमिटिंग। तो कहेंगे कि C3 प्लांट के लिए जो करंट CO2 कंसंट्रेशन वो क्या है, लिमिटिंग है। चलिए एक बात बताएं, CO2 कंसेंट्रेशन इज लो इन एटमोस्फियर, कितना, 0.03 से लेके 0.04, जबकि जो कि कहते हैं 380 माइक्रो लीटर पर लीटर के आसपास। तो 380 माइक्रो लीटर पर लीटर का मतलब यह है कि 380 माइक्रो लीटर इन 1 लीटर ऑफ एयर, यानी कि, माइक्रो लीटर मतलब 10^6, यानी कहेंगे 380 है ना, 380 गुणे 10^-6 लीटर ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 1 लीटर एयर, तो 1 लीटर में इतना कम है ना, इसको माइक्रो लीटर पर लीटर कहते हैं, याद रखना। अब देखो कह रहा है लो इंटेंस, लो लाइट है, CO2 बढ़ाओगे तो रेट क्या होगा, नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बाबू लो लाइट है ना, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, बहुत कम हो, जो भी हो रही है वो इसी प्रूफ की रहेगी, नहीं होगी आगे, तो रेट नहीं बढ़ेगा। हाई लाइट, मैंने कहा कोई फैक्टर कम हो गया तो नहीं होगी, हाई लाइट भी क्या होगा, तो CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगा, ठीक है ना। हाई लाइट मतलब ठीक है, ऑप्टिमम। अब बाबू C3 हो चाहे C4 सबके लिए बढ़ेगा, लेकिन मोर बेनिफिट किसका होगा, C3 का, क्यों, क्योंकि C3 के लिए लिमिटिंग होता है। अगर CO2 कंसेंट्रेशन 0.3 से 0.4 बढ़ा रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, 0.3 से 0.4 बढ़ा दिए, 0.5 भी बढ़ा दिए, लेकिन इसके आगे अगर तुम गए तो फोटो ऑक्सीडेशन, नहीं, तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तुम तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन 0.05 तक अगर उससे ज्यादा कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो ये CO2 टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा और फोटोसिंथेसिस नहीं हो, कुछ दिक्कत हो जाएगी, याद रखना इसको। अब देखो करंट CO2 कंसेंट्रेशन क्या है बाबू, लिमिटिंग है किसके लिए, C3 प्लांट के लिए। अब हम क्या करते हैं, C3 प्लांट को एक बक्से में बंद करते हैं, वहां पे CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो देखा जाता है कि जो C3 प्लांट है खूब ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, क्योंकि बाहर बाबू CO2 कंसेंट्रेशन क्या है, कम है, तो अंदर बाबू ग्रीन हाउस कहते हैं इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के, ठीक है, वहां पे वही CO2 का यूज करते हैं खूब ज्यादा, क्योंकि C3 प्लांट के लिए CO2 कम है, तो एक बक्से में बंद करके CO2 बढ़ा दो। जैसे एग्जाम्पल है टोमेटो और बेल पेपर, ये सब C3 प्लांट के एग्जाम्पल है, इनको हम एज अ ग्रीन हाउस क्रॉप इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर किसको एक्टिवेट करता है बाबू, आपको पता है टेम्परेचर, याद करो कि जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाता है, तो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, और डार्क रिएक्शन में ज्यादा एंजाइम यूज होते हैं, तो मोस्ट अफेक्ट कौन होगा टेम्परेचर से, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में कम एंजाइम है, लेस एंजाइम है, तो लेस अफेक्टेड होगा टेम्परेचर से। अब देखो C4 प्लांट जो होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर में रह लेते हैं, लेकिन C3 प्लांट 20 से 25 तक ही रह पाते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे जो टेम्परेट रीजन है, यानी कि ठंडा, टेम्परेट मतलब क्या, ठंडा, वहां पे C3 प्लांट ज्यादा रहेंगे, और जहां ट्रॉपिकल गर्मी है वहां पे C4 प्लांट ज्यादा रहेंगे, ठीक है। लास्ट वाटर, बाबू वाटर ज्यादा डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता फोटोसिंथेसिस को, क्यों, देखो बाबू अब क्या इफेक्ट करेगा भैया, बस 1 मिनट और, ठीक है। वाटर स्ट्रेस, अगर पानी की कमी हो गई,
पेड़ पौधों में, इसे फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, मतलब पानी कमी है पेड़ के पास, तो पत्ते वत्ते अपना एकदम मुड़ जाएंगे ना, ताकि उसका ज्यादा लॉस ना हो, रेस्पिरेटरी लॉस ना हो, तो पत्ते मुड़ गए, हमने कह दिया विल्ट हो गया लीफ, क्या हो गया, विल्ट हो गया। जब पत्ते पूरा मुड़ गए तो लाइट कम पड़ेगा, लाइट कम पड़ेगा तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। और बाबू अगर वाटर स्ट्रेस, ध्यान से देखो, मतलब वाटर स्ट्रेस से दो चीजें हैं, दो काम हो सकता है जिससे फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा। तो वाटर स्ट्रेस होगा तो स्टोमेटा भी बंद होगा, स्टोमेटा बंद हो गया तो CO2 अंदर नहीं आएगा, CO2 अंदर नहीं आएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो वाटर के कम होने से ये सब चीजें हो सकती हैं। तो आपको कैसा लेक्चर लगा ये जरूर सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना, जरूर से जरूर कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। अब रेस्पिरेशन का लेके आएंगे, मैंने पूरा एकदम कोशिश किया है, शायद 2 घंटे का लेक्चर हो, 1 घंटा 45 मिनट, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग एकदम अच्छे से इसको पढ़े, एकदम अच्छे से एक एक चीज मैंने बताया, जो क्लास में बताया था थोड़ा तेज बताया, तो आप स्लो कर सकते हैं जैसा हिसाब से आपको लगेगा, एक एक पॉइंट मैंने कवर किया। थैंक यू।